एटीएम भी बोलते हैं, कुछ बच्चों को इसकी फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन की बजाय ऑल टाइम मनी लगती है। रेडियो पेजर नंबर होता है, पेजर नंबर होता है, वो पेजर नंबर से आप दो रेडियो को आपस में कनेक्ट कर सकते हो और आप बात कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो एक दूसरे। पहले क्या था कि आपको अगर टीवी चलाना है और टीवी पे कुछ देखना है तो टाटा स्काई से भी पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होता था, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, हाँ भैया एक टीवी के लिए एक डिश केबल चाहिए। ओके, सिंपल है ये, रियल लाइफ में काम नहीं करता, रियल लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। बट अगर आपको समझना है, समझने के लिए कुछ कुछ ऐसा ही होता है, 60-70% चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, है ना। इस तरीके से बैंक अपना पैसा कमाता है। भाई साहब तू तार काट दे, मुझे नहीं चाहिए तेरा तार, ठीक है तू रख ले अपनी सर्विसेज, मैं अपने घर में एक छोटा सा एंटीना लगवा लूँगा, वहीं से तार आएगा और मेरे टीवी पर मस्त मेरे को एंटरटेनमेंट सर्विसेज देगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स एंड फन, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो बच्चों ये लेक्चर मैं कसम से बोलता हूँ, ये लेक्चर मैं आपको ऐसा प्रिपेयर करा दूंगा कि आपके दिल में घुस जाएगा ये लेक्चर, आपके दिमाग में घुस जाएगा ये लेक्चर, आपके नसों में घुस जाएगा ये लेक्चर। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर इस लेक्चर को जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। और इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स कवर करे थे, तो हमने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 में कुछ पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहां पर? हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री, फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री, एंड सेकंड पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जाता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, क्लियर है। तो इंडस्ट्री के अंदर हमने 3 तरीके की इंडस्ट्री पढ़ी थी, जो हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री थी दैट इज आर प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री थी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड थी हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। और कॉमर्स में भी हमने 2 चीज पढ़ा था, पहले था हमारा ट्रेड और सेकंड था हमारा एड्स टू ट्रेड। और वहां पर मैंने आपको बच्चों ये चीज बताई थी बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या क्या चीज मैंने बताई थी कि टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, टर्शरी इंडस्ट्री का फंक्शन क्या होता था। अगर बच्चों आपको याद है तो जल्दी से प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो, हैशटैग याद है जल्दी से लिख दीजिए। मैंने बोला था कि टर्शरी इंडस्ट्री जो है उसका काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, हेल्प प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और यहां पर मैंने भी आपसे ये चीज बोला था कि एड्स टू ट्रेड का भी सेम फंक्शन होता है कि ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करवाना, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। तो इनका क्या फंक्शन है बिजनेस के अंदर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं लॉक्स बनाता हूं। अब लॉक्स बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए। अब तो रॉ मटेरियल मैं मान के चलो मैं अलीगढ़ में रहता हूं, रॉ मटेरियल मेरे को दिल्ली से चाहिए, तो दिल्ली से मेरे पास रॉ मटेरियल कैसे आएगा? कौन सी चीज होगी, कौन सी चीज मेरे को असिस्ट करेगी, कौन सा बिजनेस का फंक्शन मुझे असिस्ट करेगा? वो असिस्ट करेगा मेरे को ट्रांसपोर्टेशन, मेरे को असिस्ट करेगा ट्रांसपोर्टेशन। भाई विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तुम दिल्ली से अलीगढ़ तो गुड्स आ नहीं सकता, ट्रांसपोर्टेशन के ही जरिए आएगा, क्लियर है। अब मान के चलो कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग करते समय अपने पास बहुत सारा स्टॉक रख लिया है, या फिर जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो मैंने बहुत सारा स्टॉक परचेस कर लिया है। अब उस स्टॉक को मुझे स्टोर करके भी रखना पड़ेगा, मेरे को स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने गुड्स को स्टोर नहीं करा तो उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मुझे जरूरत है किसकी बच्चों? वेयर हाउसिंग की। मुझे जरूरत है बच्चों वेयर हाउसिंग की। अब क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कि डेली बिजनेस में मेरे को ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, मेरे को पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को किस सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी? मेरे को बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, बैंकिंग सर्विसेज की मेरे को नीड पड़ेगी। अब क्योंकि देखो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने बताया था बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है वो बिजनेस के साथ चलता है, रिस्क इज इनहेरिटेंट इन हेरिटेंस टू द बिजनेस, ठीक है। रिस्क जो होता है वो बिजनेस के साथ साथ रहता है, जहां बिजनेस है वहां पर रिस्क है। अब क्या रिस्क को हम लोग 100% एलिमिनेट कर सकते हैं? द आंसर इज नो।
बट हम लोग कुछ काम करके रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क को कवर कर सकते हैं, और उसके लिए जो सर्विसेज हम लोगों के काम में आ रही है वो सर्विसेज है इंश्योरेंस। बच्चों वो सर्विसेज है हमारी इंश्योरेंस। हमें अपने सप्लायर्स, अपने कस्टमर्स, अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है 24/7। उसके लिए जो सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं कम्युनिकेशन। वो सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं बच्चों कम्युनिकेशन। तो बच्चों ये कुछ हमारी सर्विसेज हैं, ये कुछ हमारी सर्विसेज हैं जिसके जरिए बच्चों हम लोग अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। हम में इत हो सकता है कि इसमें से कोई बिजनेस ना कर रहे हो, बट फिर भी इनका इंपॉर्टेंस, इन चीजों का इंपॉर्टेंस हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा रहता है। और उसका क्या रीजन है? क्योंकि ये चीजें हम लोगों की हेल्प करते हैं। अगर बैंकिंग नहीं होगा तो मैं टाइमली पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को टाइमली पेमेंट रिसीव नहीं होगा, जिसकी वजह से मेरे कस्टमर्स भी मेरे से दुखी रहेंगे और मेरे सप्लायर्स भी मेरे से दुखी रहेंगे। बात आई समझ में? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो अब यहां पर समझो कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो मेरा बिजनेस कर पाना अच्छे तरीके से इक्वल टू इम्पॉसिबल समझ लो, इक्वल टू इम्पॉसिबल समझ लो। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आप करने स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं चीजों में से आज की क्लास में हम कुछ चीजें जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में है, और वो तीन चीजें हैं, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर के हम लोग समझेंगे कि बैंकिंग सर्विसेज क्या है, इंश्योरेंस सर्विसेज क्या है, कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या है। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमने बेस समझ लिया कि ये चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बिजनेस सर्विसेज का क्या मतलब होता है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। फिर बिजनेस सर्विसेज आर रेफर टू द एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज अगर आप यहां पर देखोगे, ये कोई गुड्स नहीं है, यहां पर हमें कोई टेंजिबल कमोडिटी नहीं मिल रही, वो कमोडिटी नहीं मिल रही जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका एक फिजिकल प्रेजेंस है। ये बस एक सर्विसेज है जिसको भी हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस हम इसको फील कर सकते हैं। इसके होने का हम लोगों को अंदाजा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप मान के चलो कि आप लोगों ने, आपके घर वालों ने क्या ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उसके पैसे जाते हैं। अब वो कोई आपकी लाइफ में टेंजिबल प्रेजेंस नहीं लेकर आ रहा, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं लेकर आ रहा, बट लेकिन वो उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो लोग थोड़े से टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है, ठीक है। उनका रिस्क जो हो गया वो कवर हो गया, टेंशन फ्री है वो लोग। तो इसके होने का प्रेजेंस होता है, बट आप इसे देख नहीं सकते, इन सर्विसेज को छू नहीं सकते, बस होने का प्रेजेंस है। क्लियर है? तो इस वजह से क्या है, ये बस एक एक्टिविटी है जो कि बिजनेस की हेल्प करती है, डेट असिस्ट द बिजनेस, डेट हेल्प द बिजनेस। यट लेकिन ये कोई भी टेंजिबल कमोडिटी को डिलीवर नहीं करते। अब मेरे को इनमें से देखकर बताओ, क्या इसमें से आपको भी गुड्स मिलता है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं? द आंसर इज नो। बस इन चीजों के होने का आप महसूस कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं आप। क्लियर? तो आपको डेफिनेशन अच्छी समझ में आ गई होगी। रेफर्स टू द एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो कि बिजनेस की हेल्प करती है, डेट असिस्ट द बिजनेस, या डू नॉट डिलीवर अ टेंजिबल कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बिजनेस सर्विसेज के फीचर्स क्या होते हैं। पहला जो बिजनेस सर्विसेज का फीचर होता है, वो फीचर होता है हमारा इनटेंजिबिलिटी, मतलब हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते, बस हम इसके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। तो सर्विसेज आर इनटेंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी टच, हम उसको टच नहीं कर सकते। दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर, मतलब वी कैन एक्सपीरियंस इट, हम बस उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस हम उसके होने को, उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि सर्विस अच्छी थी या सर्विस खराब थी। एन इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ दिस डेट द क्वालिटी ऑफ द ऑफर कैन ऑफर नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर कंजम्पशन एंड देयर फॉर परचेज। अगर हम लोग बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज के साथ एक जो कैरेक्टरिस्टिक जो उसके साथ आता है, वो कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि हम उसको एक्सपीरियंस करने से पहले ये नहीं बता सकते कि वो सर्विस अच्छी है या वो सर्विस खराब है। मतलब हम उसकी क्वालिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसकी क्वालिटी तभी बता सकते हैं, हम सर्विसेज को अच्छा या बुरा तभी कह सकते हैं जब हम उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे, जब हम उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे। एक एग्जाम्पल मान के चलो, आपको अपना हेयर कट करवाना है, और हेयर कट करवाने के लिए आपको किसी नए सलून के पास जाना है, किसी नए सलून वाले के पास जाना है, तो वो क्या करेगा? अब आपको नहीं पता कि वो अच्छे बाल काटता है, वो बेकार बाल काटता है ना, तो आपको पता कैसे चलेगा उसकी क्वालिटी के बारे में? पता कैसे चलेगा? जब तक
आप उससे सर्विसेज एक्वायर नहीं करेंगे, आप उससे हेयर कट नहीं करवाएंगे, यू कैन नॉट टेल कि भाई उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, अच्छी है या बेकार है। तो सर्विस की क्वालिटी के बारे में तभी पता चलेगा जब आप उसको परचेस कर लोगे या आप उसको कंज्यूम कर लोगे। क्लियर। सेकंड आता है इनकंसिस्टेंसी। द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विसेज इज इनकंसिस्टेंसी। व्हाट डू मीन बाय द इनकंसिस्टेंसी? कि जो क्वालिटी और जो सर्विसेज की क्वालिटी होती है वो हर टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। सर्विसेज की यही सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी खूबी मैं मानता हूँ, ये एडवांटेज मानता हूँ कि सर्विसेज को आप अपने अकॉर्डिंग हर बार चेंज करवा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग हर बार उसे मॉडिफाई करवा सकते हो। तो इस वजह से सर्विसेज से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं मिलता कभी एक्सपीरियंस आपके हिसाब से। क्योंकि देखो, आप जब भी सर्विसेज एक्वायर करोगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विसेज एक्वायर करोगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की तरह नहीं होता कि हर प्रोडक्ट सेम बना दिया तो आपको सेम प्रोडक्ट मिल गया। नहीं, सर्विसेज को क्योंकि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा, हमेशा अलग अलग सेटिस्फेक्शन रहेगा। सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, क्योंकि टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता, सर्विसेज को हर बार अलग से क्या करवाना पड़ता है, परफॉर्म करवाना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझो कि लेट सपोज ये वन प्लस का एक फोन है, ठीक है, अभी वन प्लस का एक फोन है। अगर इस फोन को मैं मान के चलो अभी परचेस करके लेकर आया और फिर दो दिन बाद अगेन परचेस करता हूँ सेम फोन को, तो क्या आप इन दोनों फोनों के बीच में डिफरेंस बता पाओगे? द आंसर इज नो, आप डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे। क्यों? बिकॉज ये जो सर्विस, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो गुड है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सेम है, बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। बात आई समझ में? लेकिन सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं होता। आप एक बार सैलून पर जाकर हेयर कट करवा कर आए और फिर आप दोबारा हेयर कट करवा कर आए तो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जब पहली बार हेयर कट करवाने गए और नेक्स्ट टाइम जब आप हेयर कट करवाने जाएंगे तो आप अलग अलग डिमांड करोगे, अलग अलग डिमांड करोगे, आपको अलग अलग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दी जाएंगी। थर्ड होता है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब जो सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा और कंजम्पशन होगा उसे आप अलग अलग नहीं कर सकते। जिस टाइम पर सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाएंगी आपको उसी टाइम वो सर्विसेज कंज्यूम भी करनी पड़ेंगी। मतलब आप मान के चलो एक डॉक्टर के पास गए, है ना, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने ना बहुत सारा खाना खा लिया बाहर का एकदम पेट भर के, अगले दिन आपका पेट खराब हो गया, आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाकर है ना आप क्या करोगे, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई और डॉक्टर वहीं पर आपको क्या प्रॉब्लम है वो अपने उस प्रेस्क्रिप्शन लेटर पर लिखेगा, आप कौन कौन सी दवाइयों से आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी वो उस प्रेस्क्रिप्शन लेटर पर लिखेगा। तो जब वो प्रेस्क्रिप्शन लेटर पे लिख रहा है तो आप क्या कर रहे हो, हैंड टू हैंड उसकी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो। तो प्रोडक्शन भी वहीं की वहीं हो रहा है, वो सर्विसेज को भी वहीं की वहीं आपको प्रोवाइड करवा रहा है, आप उसको कंज्यूम भी एट द सेम टाइम कर रहे हो। तो सर्विसेज का प्रोडक्शन और सर्विसेज का कंजम्पशन कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि आप डॉक्टर के पास गए शाम को और डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन सुबह बना दिया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा आमने सामने जो होती हैं चीज़ें चलती हैं। आप जब हेयर कट करवाने चाहते हो तो वो भी तो सर्विस ही ले रहे हो ना आप हेयर कट करवाने गए तो ऐसा नहीं है, तो जिस टाइम पर आप वहाँ पर प्रेजेंट हो गए आपका सर वहाँ पर प्रेजेंट होगा तभी तो वो आपके बाल काटेगा। ऐसा थोड़ा ना कि सुबह वो कैंची चला देगा, शाम को गए और आपके बाल कट गए, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो सर्विसेज के साथ इनसेपरेबिलिटी होती है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की। तो जिस टाइम पर प्रोडक्शन होगा उसी टाइम पर कंजम्पशन भी होगा, बट गुड के साथ ऐसा नहीं होता। जो गुड्स हम लोग अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं, एग्जांपल इसी मोबाइल के एग्जांपल ले लेता हूँ, जो ये मोबाइल में यूज करता हूँ, जो मोबाइल फोन में यूज करता हूँ, ये मोबाइल फोन बना पता नहीं कब होगा, इसका प्रोडक्शन कब हुआ होगा, बट कंजम्पशन मैं अभी तक कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन गुड्स के केस में अलग अलग हो सकते हैं बट सर्विस के केस में अलग अलग नहीं हो सकते। थर्ड फोर्थ पॉइंट आता है आपका इन्वेंट्री। सर्विसेज की कोई मतलब टेंजिबल कॉम्पोनेंट नहीं होता, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, क्योंकि बस आप उसे छू सकते हो और क्योंकि उसका प्रोडक्शन तब होता है जब मतलब उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ साथ होता है तो सर्विस का कोई भी इन्वेंट्री नहीं बचेगी। सर्विसेज को आप फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, क्योंकि सर्विसेज पेरिशेबल इन नेचर होती है, जैसे ही प्रोड्यूस करी जाएंगी वैसे ही कंज्यूम करनी पड़ेंगी। अगर हैंड टू हैंड आपने उनका कंजम्पशन नहीं करा तो सर्विसेज बेकार हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी बच्चों, बर्बाद हो जाएंगी, जैसे आप अपने एक्स के लिए हो गए थे। सो चलो कोई बात नहीं, आ गया हो। प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड्स बट नॉट द सर्विस इटसेल्फ। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि सर्विस के साथ जो आपको गुड्स मिलता है उसको तो आप स्टोर कर सकते हो, उसको तो आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते।
आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मान के चलो, आप जब भी सिम खरीदते हो, एक मोबाइल का सिम, आपको पता है मोबाइल सिम जो आपके मोबाइल में लगा रहता है, वो आप खरीदते हो तो वो एक सर्विस है। उसका मेन कंपोनेंट क्या है? एक सर्विस है कि आपको डेटा पैक दिया जाता है, आप छू नहीं सकते उसे, आप देख नहीं सकते उसे, बट आप उसका लाभ ले सकते हो, उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट उसके साथ एक एसोसिएटेड गुड भी मिलता है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, दैट इज कॉल्ड द सिम कार्ड। तो आप सिम कार्ड को तो फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हो, बट जो सर्विसेज आपने जो रिचार्ज करवाया उसकी वैलिडिटी तब तक है जब तक कि आप उसे यूज कर सकते हो, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं होगी, आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। बट अगर क्या वैलिडिटी एक्सपायर होगी तो सर्विसेज खत्म, क्योंकि सर्विसेज उसी दिन तक की थी ना, सर्विसेज उसी दिन तक प्रोड्यूस करी जा रही थी, सर्विसेज खत्म, बट सिम फिर भी अपने आपके पास रहेगा। तो एसोसिएटेड गुड्स को तो आप अपने साथ फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हो, बट सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। फिफ्थ होता है इन्वॉल्वमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द सर्विसेज इज दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। अब यार मेरे को बताओ, सारी चीजें यहीं से हुई। जब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साथ साथ होता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साथ साथ होता है, उसको इनसेपरेबल आप नहीं कर सकते, तो प्रोड्यूसर और कस्टमर भी तो साथ साथ ही रहेंगे। कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी तो प्रोडक्शन के टाइम पर जरूरी होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो वही बात यहां पर बोली गई है कि कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए सर्विस डिलीवरी के टाइम पर। अ कस्टमर हैज अ अपॉर्चुनिटी, कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सर्विसेज को मॉडिफाई करवा सकता है अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अगर मुझे जाकर किसी सैलून वाले पे अपना हेयर कट करवाना है तो मैं उसको बता सकता हूं कि मेरे को कैसा हेयर कट चाहिए एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं वहां पर पार्टिसिपेशन कर रहा हूं। जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, मैं वहां पर पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मेरा वहां पर इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसको बता सकता हूं कि मेरे को ऐसा हेयर कट चाहिए, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं हेयर कट करवा सकता हूं। क्या बात बच्चों आपको समझ में आ गई कि डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, सर्विसेज एंड गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक बार देखो तो पहले बेसिस देखते हैं, नेचर की सर्विसेज का नेचर क्या होता है। सर्विसेज एक एक्टिविटी होती है, एक प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो मूवी को आप बस एक्सपीरियंस करते हैं, अपने साथ थोड़ा ना रख के लेकर आते, उसे देख रहे हो, मतलब उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसे छू नहीं सकते। बात ही समझ में क्लियर है। ऑन द अदर साइड गुड्स क्या है? एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर आप उसी मूवी की अगर कैसेट लेकर आ जाओगे, दैट कैसेट इज अ गुड बिकॉज उस कैसेट को आप देख सकते हैं। क्लियर है? उस कैसेट को आप देख सकते हैं, उसका फिजिकल प्रेजेंस है। तो आप मूवी हॉल में देखने जा रहे हो किसी मूवी को, सर्विस है। अगर उसका कैसेट आप लेकर आ गए, गुड्स है। तो गुड्स क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्टिव है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। सर्विसेज का टाइप क्या होता है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब नॉट सेम। हर बार सर्विसेज से मिलने वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है। तो हर बार सर्विसेज भी आप अलग अलग ही प्रिफर करते हो लेना। सर्विसेज से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है वो हर बार अलग अलग होता है, तभी तो उसको इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में डाला गया। तो सर्विसेज इस वजह से हर बार जो सर्विसेज डिलीवर करी जाती हैं, दे आर हेट्रोजीनस इन नेचर। हेट्रोजीनस हर बार आपको अलग अलग मिलेगी। वहीं पर गुड्स जो होता है दैट इज होमोजीनस। गुड्स जो होता है वो होमोजीनस होता है, यानी कि हर बार जो गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम रहेगा। मैं सेम सैलून के पास जाऊंगा, सेम इंसान से अपने बाल कटवाऊंगा, बट वो जो मेरे को सर्विस देगा वो हर बार अलग अलग देगा, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करवाऊंगा। जाहिर सी बात है, तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी अलग अलग होगा। वहीं पर अगर मैं ये वन प्लस का फोन खरीदने मार्केट में जाता हूं तो मेरे को यही सेम जो मॉडल है, ऐसी मॉडल का जो फोन मिलेगा वो हर बार सेम मिलेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन होंगी, सेम स्पेसिफिकेशन होंगी, सेम मिलेगा। तो गुड्स जो होता है इट कैन बी होमोजीनियस इन नेचर, वो हर बार सेम हो सकता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर बार सेम हो सकता है। बट सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज सर्विसेज को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हो। थर्ड है इंटेंजिबल। सर्विसेज आर इंटेंजिबल नेचर है, जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट। इंटेंजिबल क्या है? जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या होती है? मेडिसिन होती है। इनकंसिस्टेंसी, अभी पढ़ा था कि डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड, हर कस्टमर की अलग डिमांड होती है, तो सर्विसेज को आपको चेंज करना पड़ता है ना, हर बार चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल, और यहाँ पर जो डिफरेंट कस्टमर होते हैं उनको गुड्स के केस में उनको एक सेम प्रोडक्ट दे दिया जाता है। जैसे मोबाइल फोन्स प्रोडक्ट के केस में स्पेसिफिकेशन होना बहुत रेयरली होता है। अब कुछ ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं, बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सर्विस, कि भाई प्रोडक्ट तो सेम है, हम आपको सर्विस के कैटेगरी में ले जाकर अलग अलग प्रोडक्ट हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। बट जो हम जनरल सेंस में देखते हैं वो प्रोडक्ट में आपको स्टैंडर्ड कैटेगरी ही मिलती है। इनसेपरेबिलिटी,
यहाँ पर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइमल्टेनियस होता है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ एक टाइम पर, लेकिन गुड्स के केस में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अलग अलग हो सकता है। आप गुड्स को प्रोड्यूस किसी और टाइम पे करो और कंज्यूम किसी और टाइम पे करो। उसका रीजन क्या है कि गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो फॉर द फ्यूचर पर्पस, तो प्रोडक्शन कंजम्पशन वहां से अलग अलग हो सकता है। सर्विसेज को नहीं कर सकते, तो सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अलग अलग नहीं हो सकता। इन्वेंट्री कैन नॉट बी कैप्ट इन स्टॉक बिकॉज सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर, तो इसको हम लोग फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। बट गुड्स आर नॉन पेरिशेबल, गुड्स कुछ कुछ गुड्स होते हैं जो पेरिशेबल नहीं होते, उनको आप स्टॉक, उनको आप स्टोर करके रख सकते हो। एग्जाम्पल बड़ा प्यारा दिया है कि ट्रेन जर्नी से मिलने वाला जो एक्सपीरियंस है आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, बट उस आप ट्रेन जर्नी की जो टिकट है आप उसे फ्यूचर पर्पज के लिए स्टोर करके रख सकते हो। फोर्थ होता है लास्ट है इन्वॉल्वमेंट, तो पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो जब सर्विस की डिलीवरी होगी तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब प्रोडक्शन, जब क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी तो उस टाइम पर कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना या ना होना जरूरी नहीं है, क्लियर है। लेकिन सर्विस के केस में रिक्वायर्ड है, सर्विस के केस में रिक्वायर्ड है। चले बच्चों आगे। बिल्कुल सर। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज कितनी तरीके की होती हैं? सर्विसेज तीन तरीके की होती हैं, डेट इज बिजनेस सर्विसेज, जो कि हमारा पूरा चैप्टर है, हम लोग बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज ही पढ़ेंगे जो कि बिजनेस की हेल्प करती हैं। सेकंड होता है सोशल सर्विसेज, वो सर्विसेज जो कि सोसाइटी की हेल्प करती हैं। तीसरा होता है हमारा पर्सनल सर्विसेज, जो कि इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन की हेल्प करती हैं और उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सर्विसेज दी जाती हैं। आइए चलिए, तो बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज यूज करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटरप्राइज यूज करता है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी थी अभी, यही तो हम लोग देख रहे हैं भाई। इन चार पांच चीजों के साथ बिजनेस करना बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर ये चीजें हमारे पास नहीं होंगी तो करके दिखा देना बिजनेस। बैंकिंग के बिना बिजनेस करके दिखाना है ना, इंश्योरेंस के बिना बिजनेस करके दिखाना। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आपके सर पर रिस्क मंडराता रहेगा। और कभी कभार हजारों रुपए का इंश्योरेंस ना लेने की वजह से ना मैंने लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान होते हुए देखा है बच्चों, करोड़ों का नुकसान होते हुए देखा है। वेरा उसके बिना अपने बिजनेस करके देखना जरा, है ना, आपको पता लगेगा आपने बड़ी मेहनत से गुड्स बनाया और कहीं बारिश आ गई या कहीं मान के चलो कुछ हुआ, तो ये आपका गुड्स खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर दोगे। क्योंकि गर सर्दियों में कपड़े बनेंगे, ठीक है, सर्दियों में कपड़े बनेंगे, सर्दियों के मान के जैकेट बनाते हैं हम लोग, वो जाके बिकेंगी नवंबर दिसंबर के महीने में, तो क्या हम नवंबर दिसंबर के महीने में ही जैकेट्स बनाएंगे? नवंबर दिसंबर के महीने में जैकेट्स बनाना स्टार्ट कराना मार्च तक जाके खत्म होंगी। तो जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, जो विंटर क्लोथ्स होते हैं, वो बनना स्टार्ट हो गए होंगे जुलाई अगस्त के महीने में, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बनते जाते हैं, प्रोड्यूसर उनको वेयर हाउस में स्टॉक करते जाते हैं, जैसी मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज हुई तुरंत उन्होंने अपने वेयर हाउस उनको बेचना स्टार्ट करा। तो उनकी जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है 2-3 महीने के लिए और वो प्रोड्यूस होते हैं पूरे साल, तो उसके लिए हमें वेयर हाउस की नीड पड़ती है। तो ऐसे करके तो अगर वेयर हाउस नहीं होगा तो वो बिजनेस हमारा चल ही नहीं पाएगा, बात समझे। कम्युनिकेशन सर्विसेज, अगर हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हमने सप्लायर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब भी हम अपने बिजनेस को रिस्क में लेकर आ रहे हैं। सेकेंड होता है सोशल सर्विसेज, वो एक्टिव, वो सर्विसेज जो कि सोसाइटी को दी जाती हैं। तो ये वो सर्विसेज होती है डेट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलेंटरली इन द परसू ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स। सोशल गोल्स मतलब सोसाइटी को दी जा रही हैं, हम लोग अपने सोशल गोल्स को पूरे करें, अभी आता सोशल एनिमल, हमें सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो बिजनेस के अलावा भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी सोसाइटी को। एंड जो सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो वॉलेंटरीली होती हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से ही प्रोवाइड करवाते हैं, वो लीगल नहीं होती है ना, कि नहीं जबरदस्ती, कंपलसरी नहीं होती कि जबरदस्ती प्रोवाइड करवानी करवानी, वॉलेंटरी हमारी मर्जी है, हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे मैं जा रहा था और मैंने देखा कुछ बूढ़े लोग रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो मैंने उनको रोड क्रॉस करवा दिया, दैट इज अ सोशल सर्विस, मैंने उनको सर्विस दी, उन्हें एक एक्सपीरियंस मिला, मैंने उनको रोड क्रॉस करवा दिया, दे आर हैप्पी। बट क्या इस चीज के लिए मेरे को कोई कंपलसरी लॉ था मेरे ऊपर कि ऐसा मैं ना करता तो मेरे को मेरे ऊपर केस चल जाता, मेरे ऊपर कंप्लेन हो जाती? द आंसर इज नो, ये मेरा वॉलेंट्री एक्ट था, मैं किसी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मेरा वॉलेंट्री एक्ट है, बात ही समझ में।
दीज सोशल गोल्स मे बी ये क्यों करे जाते हैं, ताकि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर सकें सोसाइटी की वीकर सेक्शन जनरली, टू प्रोवाइड एजुकेशन, जैसे चिल्ड्रन को एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवा दिया, फ्री में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी, है ना, स्लम एरियाज में जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर अच्छी कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन, मतलब साफ सुथरी, साफ सफाई वगैरह करवा दी। तो ये जो होती है वॉलेंट्री होती है, इंसान अपनी मर्जी से करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो सके। आप किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करवाओगे, जाहिर सी बात है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, मेडिकल सर्विसेज से इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करवाने के लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है, वॉलेंट्रीली। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉलेंट्रीली, अपनी मर्जी से। नहीं करवाओगे तो ये आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, अपनी मर्जी से वो कराते हैं लोग। थर्ड होता है पर्सनल सर्विसेज, ये इंडिविजुअल कस्टमर के लिए होता है, अकेले कस्टमर के लिए होता है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये अकेला खुद का एक इंडिविजुअल कस्टमर है। आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट कस्टमर, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल कस्टमर को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल सर्विसेज, पर्सनली उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। दीज सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर, वो कंसिस्टेंट नेचर में नहीं रह सकती, वो एक जैसी नेचर में नहीं रह सकती, क्योंकि कस्टमर तो है अलग अलग डिमांड करेगा। एक जो हेयर कटर है, हेयर ड्रेसर बोलते हैं, वो हर किसी की सेम कटिंग नहीं करता, वो जब कटिंग करता है तो हर कस्टमर की अलग अलग कटिंग करता है ना, अलग अलग हेयर कट उन्हें देता है। तो सुबह से लेकर शाम तक 100 लोगों का अगर हेयर कट करेगा तो 100 लोगों की अलग से 100 डिमांड होंगी, और उन डिमांड को फुलफिल करना ही क्या है, पर्सनल सर्विस के केस में आता है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। उसकी सर्विसेज जो है वो नेचर उनका वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकती, वो एक जैसी नेचर में नहीं रह सकती, वो अलग अलग ही रहेंगी। दे विल प्रिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर, है ना, सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कस्टमर प्रेफरेंस, वो कस्टमर प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। अब एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा मेन कॉम्पोनेंट आया, डेट इज कॉल्ड द बैंकिंग सर्विसेज। जो सबसे मेन कॉम्पोनेंट आया, पहला आया हमारा बैंकिंग सर्विसेज। इसके बिना आज के टाइम पे बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, विदाउट इट यू कैन नॉट डू बिजनेस, विदाउट इट यू कैन नॉट डू बिजनेस, विदाउट इट वन कैन नॉट डू बिजनेस। आप बिजनेस कर ही नहीं सकते इसके बिना, आप इसके बिना बच्चों बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, और ट्रांजैक्शंस आज के टाइम पे करंट अकाउंट ओपन होता है ना बिजनेस के लिए, वो करंट अकाउंट आपको अपने बिजनेस में आपकी लाइफ लाइन है, वहीं पर पैसे रिसीव होंगे, वहीं से पैसे जाते हैं। अकाउंट से पड़ा है ना, अभी उषांग सर ने कैशबुक का डाला है ना, जाके देखो जल्दी से, कैशबुक का लेक्चर डाला है ना उषांग सर ने, डाला है ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, देखा या फिर नहीं देखा, देखा ना बच्चों आपने कैशबुक का लेक्चर, देखा ना उसके अंदर क्या होता है। जो बैंक अकाउंट हम लोग बनाते हैं वो करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अगर वो बैंक अकाउंट हमारे पास ना हो तो हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और आजकल क्योंकि इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, विदाउट बैंकिंग ट्रांजेक्शन तो तौबा तौबा तौबा, हम कैश में बिजनेस कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिसके अंदर बैंकिंग काम करती है। बैंकिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। चलो समझते हैं, सपोज करो बच्चों ये एक बैंक है, इट इज अ बैंक। अब इस बैंक का काम क्या होता है? इस बैंक का काम बड़ा सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल काम है इस बैंक का, इस बैंक का बहुत ही बच्चों सिंपल काम है, ये है पब्लिक, ये है पब्लिक, ठीक है। तो बैंक का पहला काम क्या होगा? ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, क्लियर। तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक अपना जो आइडल फंड है वो बैंक के अंदर क्या करेगी? डिपॉजिट करेगी, जिसके बदले में बैंक इन्हें क्या देती है? जिसके बदले में बैंक इन्हें इंटरेस्ट देती है, इन्हें क्या मिलती है? इंटरेस्ट मिलती है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बैंक अब उस पैसे का क्या करेगी? बैंक अब उस पैसे क्या करेगी? बैंक उस पैसे को दो काम करेगी उस पैसे से। पहला काम बैंक क्या करेगी कि उसको एज अ लोन दे देगी, यानी कि उस पैसे को लोन की तरह दे देगी, एडवांस का लोन, एडवांसिंग बोलते हैं वैसे ऐसे, है ना, लोन देना, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, लोन देना, तो लोन आगे लोन की तरह दे देगी, या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगी,
या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है, या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगी। अब ऐसा क्या होगा, जब बैंक लोन देगी उस पैसे से तो बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और इन्वेस्ट जो पैसा करेगी उस इन्वेस्टमेंट से बैंक को क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, बेसिकली प्रॉफिट बोल देता हूँ, बैंक को प्रॉफिट मिलेगा। तो बैंक बेवकूफ थोड़ा है कि पब्लिक से पैसा लेगी और पब्लिक को इंटरेस्ट दे रही है तो उस पैसे पे कुछ कमाएगी नहीं, है ना, उस पैसे पे कुछ कमाएगी नहीं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस केस में। मान के चलो पब्लिक ने जो बैंक को पैसा दिया, वो बैंक को पैसा दिया 10 लाख रुपए और बैंक उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो इंटरेस्ट पे कर रही है 4% का, ये एवरेज इंटरेस्ट है आज के टाइम पे, इतना ही पे करा जाता है। तो 4% अगर हम 10 लाख का निकालें तो 40,000 रुपीज बैंक का क्या निकल कर आया, एक्सपेंस निकल आया कि बैंक इतना खर्चा कर रही है, बैंक इतना खर्चा कर रही है। और बैंक ऑन एन एवरेज जो पैसा लोन की तरह देती है उस पैसे के ऊपर 11% चार्ज करती है, अप्रोक्सीमेटली 11%। तो वो जो बैंक को 10 लाख रुपए मिले, बैंक ने उसमें से 10 लाख को 11% बैंक को ब्याज मिल रहा है, यानी कि जो बैंक का रेवेन्यू निकल कर आया, वो रेवेन्यू निकल कर आया 10 लाख का 11% डेट इज 110,000 रुपये। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो बैंक को जो प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट मिला बैंक को 70,000 का, और बैंक इस तरीके से पैसा कमाती है। ये कैलकुलेशन इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्लीकेशन आती हैं कि बैंक को एक रिजर्व भी रखना पड़ता है आरबीआई के पास, तो बैंक पूरा पैसा लोन की तरह नहीं दे पाती, बैंक पूरा पैसा लोन की तरह नहीं दे पाती, बैंक को एक हिस्सा जो है आरबीआई के पास रिजर्व की तरह भी रखना पड़ता है। बट वो बहुत टेक्निकल केस हो जाएगा, मैं बहुत आसान चीज़ों में आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ देखो, इस तरीके से बैंक अपना क्या करती है, पूरा काम करती है, इस तरीके से बैंक क्या करती है, अपना पूरा का पूरा पैसा कमाती है, है ना। ये सिंपल है, ये रियल लाइफ में काम नहीं करता, रियल लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, बट अगर आपको समझना है तो समझने के लिए कुछ कुछ ऐसा ही होता है, 60-70% चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, है ना, इस तरीके से बैंक अपना पैसा कमाता है। आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा बैंक पैसा कैसे कमाता है, वही मेरे बताने का मकसद था। तो बैंक का काम क्या होता है, बैंक का पहला काम जो हो गया वो हो गया कि पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करो, यानी कि पब्लिक का पैसा अपने पास डिपॉजिट करो, और फिर उस पैसे को, जो पैसा आपको मिला उसका करना क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कि उसे लोन की तरह दो या फिर इन्वेस्टमेंट की तरह दो। तो इन्वेस्टमेंट और लोन से जो बैंक को रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू में से बैंक इनका ब्याज दे देगी और जो बाकी पैसा बचेगा वो बैंक का एज ए प्रॉफिट की तरह काम करेगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई, तो ये बैंक का पूरा फंक्शन होता है जो आप क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और डिटेल में पढ़ोगे फ्यूचर में। अब टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स क्या क्या होते हैं एक बार देखो, पहला सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। ये सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर जनरली जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उनके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर, ये सेविंग्स अकाउंट ही होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल या फिर किसी पर्सन के पास कोई आइडल फंड्स पड़ा हो, कोई सेविंग्स पड़ी हो, कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो, सरप्लस मनी पड़ा हो, उस पैसे को ले जाकर ये बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं तो उस पे बैंक से ब्याज मिलती रहेगी। बात ही समझ में, इस पर्पस के लिए। तो अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। मतलब आपको अगर सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है तो आपको कुछ पैसा, आपको बैंक में जाना है, एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके अंदर एक मिनिमम बैलेंस आपको डिपॉजिट करके रखना है और आप सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। ही कैन विथड्रॉ द मनी, वो आप उस अकाउंट में से पैसे भी निकाल सकते हो जब भी आपको जरूरत होगी, और जब भी आपके पास सरप्लस मनी होगा यानी कि एक्स्ट्रा मनी होगा आप उस एक्स्ट्रा मनी को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि जब मन चाहे तब पैसा निकाल भी सकते हो, जब मन चाहे तब पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, अभी इसको होल्ड पे रखो थोड़ा सा। सेकेंड होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है ये स्पेशली किसके लिए बनाया जाता है, ये बनाया जाता है बिजनेसमैन के लिए। करंट डिपॉजिट अकाउंट बनाया जाता है स्पेशली बिजनेसमैन के लिए। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी व्हेन एवर डिजायर्ड। तो यहाँ पर भी आप कितना भी पैसा कितनी बार भी आप डिपॉजिट कर सकते हो और कितना भी पैसा कितनी बार भी यहाँ से विदड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये इसी वजह से बनाया था। सेविंग्स अकाउंट में तब भी कुछ लिमिटेशंस होती है कि आप अपना पैसा बार बार, मतलब यहाँ पर जो सेविंग्स अकाउंट बनाया जाता है जनरली ये देखा जाता है कि कस्टमर इस अकाउंट से बहुत ज़्यादा बार पैसा विड्रॉ नहीं करता, डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं विड्रॉल कम होते हैं, है ना, डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं विड्रॉल कम होते हैं, सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स कम रहती हैं। बट करंट अकाउंट में जितने सेविंग्स अकाउंट की पूरी महीने की ट्रांजेक्शन होती है ना ऑन एन एवरेज, उतना एक बिजनेस के करंट अकाउंट में डेली की ट्रांजेक्शन होती हैं। तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज में ट्रांजेक्शन चलती हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन चलती हैं
और फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, इसकी वजह से इसको अलग अकाउंट बनाया गया करेंट अकाउंट। तो आप यहां पर कितना भी पैसा कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना भी पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय द चेक, यहाँ पर विड्रॉल्स हमेशा चेक से होगा। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी भी इनको अवेलेबल होती है। अभी देखते हैं कि ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है। ये भी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के लिए ही अवेलेबल होती है। ओ हो हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अकाउंट के साथ क्या है कि करंट अकाउंट के बैलेंस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, समझे? तो करंट अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए, कि बैंकिंग सेक्टर को इंसान का पैसा अपने पास बैंक ले सकता है। यू वांट टू डू बिजनेस, लाओ 50 लाख रुपए। अब तुम्हारे 50 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ही रहेंगे, बट उस पैसे को बैंक आगे लोन की तरह दे देगा। क्या मतलब सर, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता? नहीं, और सुनो एक बात और, बैंक को उल्टा, बैंक ना इन अकाउंट करंट अकाउंट वाले होते हैं ना, उनसे उल्टा पैसा लेती है, उनसे बोलती है वी आर मेंटेनिंग योर करंट अकाउंट, इंटरेस्ट तो भूल जाओ, उल्टा अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस दो। तो बैंक उल्टा पैसा लेती है अकाउंट मेंटेन करने का, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट का। तो नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, और उल्टा सर्विसेज चार्ज और कर देते हैं, है ना? सेविंग्स अकाउंट पर सर्विसेज चार्ज नहीं कर रहे थे, उल्टा पैसा दे रहे थे एज ए इंटरेस्ट। बैंक जो है कस्टमर को इंटरेस्ट दे रही थी, यहाँ बैंक कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं देगी, नहीं देगी, उल्टा कस्टमर से पैसा ले लेगी कि हम आपका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, पैसा दो, सर्विस चार्जेस दो। क्लियर है? क्योंकि आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कम होती हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ना यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाता, उल्टा बैंक इंटरेस्ट ले लेती है। क्या सर, क्या सर? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसे हम लोग शॉर्ट में आरडी भी बोलते हैं। बच्चों जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्या कभी आपके घर में आरडी का जिक्र हुआ? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, जल्दी से बच्चों लिख दो कमेंट सेक्शन, कसम से बता रहा हूँ बच्चों, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्या आपके दादा ने, आपके पापा ने कभी आपके लिए आरडी ओपन करवाई, या कभी वो लोग आरडी का यूज करते हुए देखा गया, आपने देखा है उनको आरडी, बोलते ना आरडी खुलवा रखी है, हर महीना कुछ पैसा जाता होगा, है ना, आरडी खुलवा रखी है, तो क्या कभी ऐसा जिक्र करते हुए देखा? बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो आरडी का मतलब क्या होता है? आरडी का मतलब ये होता है कि अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ, यानी कि हर महीने एक डिपॉजिटर आरडी अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करवाता है। जैसे एक एग्जांपल कि मैंने सपोज करो एक आरडी ओपन करवाई, मैंने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया, एक आरडी अकाउंट ओपन करवाया, उस आरडी अकाउंट में मैं 60 मंथ्स के लिए, 60 महीने के लिए हर महीने 2000 रुपीज डिपॉजिट करता रहूंगा हर महीने। क्या बच्चों ये 2000 रुपए चेंज हो जाएंगे? नहीं, 2000 ना 2200 होंगे, 2000 ना 1800 होंगे, ये 2000 ही रहेंगे। ये अमाउंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये अमाउंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये टाइम भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो एक फिक्स अमाउंट हर महीने, एक फिक्स अमाउंट हर महीने, एक फिक्स टाइम के लिए क्या करवा दिया जाता है? डिपॉजिट करवा दिया जाता है। फिक्स अमाउंट हर महीने फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट कर दिया जाता है। द अमाउंट टूगेदर विद इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन द मैच्योरिटी, और जब 60 महीने पूरे हो जाएंगे, तो आफ्टर 60 मंथ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब जब ये 60 महीने पूरे हो जाएंगे, तो मैच्योरिटी के ऊपर मेरे को जितना पैसा मैंने डिपॉजिट करा था, तो कितना डिपॉजिट करा था? 6 × 2 = 12 10 123, 120,000 रुपये जो मैंने डिपॉजिट करा था 5 साल के अंदर, 120,000 रुपये जो मैंने 5 साल के अंदर डिपॉजिट करा था, क्लियर है? वो उस पर मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा साथ में, इसके साथ मेरे को मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 60 महीने के बाद मेरे को ये अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द रेट, की रेट कितना है, क्लियर है, रेट कितना है। और अभी इंटरेस्ट की बात करेंगे कि आरडी पर रेट कितना रहता है, अभी बात करेंगे आरडी पर रेट कितना रहता है, इसको थोड़ा होल्ड करो। फोर्थ होता है, लास्ट में आता है फिक्स डिपॉजिट, लास्ट में आता है फिक्स डिपॉजिट अमाउंट। क्या आप आरडी से पैसा बीच में निकाल सकते हैं? द आंसर इज नो। जनरली आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको बैंक को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, बैंक आपसे कुछ फिर कुछ पेनल्टी चार्ज करेगा, उसके बाद आपको आरडी तोड़वाकर पैसा दे देगा। बट आरडी किस पर्पज से करवाई जाती है कि 60 महीने से पहले हम लोग पैसा नहीं निकालेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 60 महीने
एक साल की भी आरडी होती है, 24 दो साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है, 4 साल की होती है, 5 साल की भी होती है, 10 साल तक की होती है, बट एक एग्जाम्पल दिया मैंने 60 मंथ्स का, ठीक है। अब फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड, यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करा जाता है डेट इज रिपेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देखो आरडी में क्या कर रहे थे हम लोग, जो पैसा डिपॉजिट कर रहे थे वो हर महीने कर रहे थे, बट एफडी के अंदर ऐसा नहीं होता। बच्चों एफडी के लिए भी जल्दी से कमेंट कर दो एफडीओपी, एफडीओपी जल्दी से कमेंट कर दो, एफडीओपी फिक्स डिपॉजिट, एफडीओपी जल्दी से कमेंट कर दीजिए जल्दी से, है ना। एफडी के अंदर क्या होता है, एफडी के अंदर एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देखो यहां पर एक फिक्स अमाउंट को हर महीने डिपॉजिट कर रहे थे, लेकिन यहां पे हर महीने डिपॉजिट नहीं करते, एक बार में डिपॉजिट करते थे लमसम। अगर मैं यूज करूं वर्ड तो करेक्ट वर्ड जो यूज होता है वो होता है लमसम, ठीक है। मतलब मैंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, मैंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया और 5 साल के लिए कर दिया, और 5 साल तक इस 5 लाख पे ब्याज लगती रहेगी, तो मुझे अलग से कुछ पैसा जमा नहीं करना, हर महीने नहीं करना, एक बार डिपॉजिट कर दिया, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कर दिया, अभी टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, और इस पे मेरे को क्या मिलती रहेगी, ब्याज मिलती रहेगी, इस पे मेरे को ब्याज मिलती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जितना एफडी का टाइम बड़ा होता है, कि एफडी का टाइम जितना ज्यादा है, कि 5 साल की एफडी है 10 साल की एफडी है, तो 10 साल की एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 साल की एफडी से ज्यादा रहता है, ठीक है। तो द लॉन्गर द टाइम पीरियड हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट का रेट रहेगा। अब यहाँ पर एक बार देखो, देखो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट मिलता है वो एफडी के ऊपर मिलता है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलता है, उसके बाद जो इंटरेस्ट मिलता है वो आरडी के ऊपर मिलता है, और सबसे कम जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग्स अकाउंट के अंदर मिलता है। तो ये चलता है, अगर आप अब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली लोअर देन द फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग्स अकाउंट में एफडी से कम होता है, ठीक है, सेटिस्फाई है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट आरडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा होता है, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा है, सेटिस्फाई है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी इज द हाईएस्ट, और एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट रहता है, यानी कि ये पूरा का पूरा इस इक्वेशन से ये तीनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी। और करंट अकाउंट पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, करंट अकाउंट पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, और सबसे ज्यादा बेचारे यही पैसा डिपॉजिट करते हैं, इन्हीं की सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, इन्हीं को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ऊपर से बैंक इनसे पैसा लूट के चली जाती है। हाँ, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं तुम्हारा, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इट इज कंपलसरी। अगर आप बिजनेस खोल रहे हो, उन्हें बैंक वालों को भी पता है कि एक बिजनेस मैन के लिए करंट अकाउंट इज अ नीड, उसके बिना वो बिजनेस चला ही नहीं सकते। तो ये भी बोल सकते हैं कि वहां लिया जाता है फायदा, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। बहुत सारे प्रिकॉशंस है, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, है ना। और देखो जाहिर सी बात है कि ये सर्विसेज बिजनेस मैन ले रहा है बैंक से, ठीक है, इट इज अ बिजनेस सर्विस, तो फ्री में तो नहीं मिलेगी, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पैसा बिजनेस कर, अरे तुम्हारी घर से यार, अगर बैंक नहीं होंगी वहां पर प्रेजेंट तुम बिजनेस कैसा करोगे। तो डिमांड जो रहती है ना बैंक की कम, बिजनेस मैन की ज्यादा रहती है। तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेसेस को ग्रो करने में, और बिजनेसेस के लिए करंट अकाउंट की नीड बहुत ज्यादा है। अब कुछ सर्विसेज जो है बैंक प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि हमने बोला ना मनी ट्रांसफर होता है, पेमेंट होती है, तो उनके लिए कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे होता है बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें मनी मैटर, जिसमें मनी इन्वॉल्व रहता है, थ्रू विच मनी कैन बी रिमिटेड। रिमिटेड मतलब ट्रांसफर्ड है, मतलब आप बैंक ड्राफ्ट से आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, फ्रॉम पर्सन टू अनादर पर्सन, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो फ्रॉम वन पर्सन बैंक अकाउंट टू द अनादर पर्सन बैंक अकाउंट। तो आप ड्राफ्ट से कर सकते हो, आप इसे ड्राफ्ट से कर सकते हो। ड्राफ्ट बेसिकली पेपर होता है, तो पेपर में बेसिकली आप बैंक को ऑर्डर दोगे, आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दोगे कि क्या बोलते हैं, इतने रुपए मान के चलो 1 लाख रुपए, तो उसमें लिखा होगा इसको ट्रांसफर करने हैं, इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, इस शहर में ये बैंक अकाउंट है, इस ब्रांच में ये बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट का ये IFSC कोड है, इतने रुपए ट्रांसफर करने हैं, और नीचे आप सिग्नेचर कर दोगे। तो बैंक जैसे ही वो लेटर बैंक के हाथ में पहुंचेगा, वो आपका सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, और बैंक समझ जाएगा कि हमारा कस्टमर हमें इंस्ट्रक्शन कर रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए अलीगढ़ वाले संजय के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो नोएडा से विपुल ने अपने बैंक अकाउंट से संजय के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए, और ये बैंक को मैंने बोला कैसे, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बोला।
बात ही समझ में। अब बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैंक, या बैंक में जाके ऑब्टेन कर सकते हो आफ्टर डिपॉजिटिंग रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक, एंड दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या बच्चों, मैं जो संजय को पैसे ट्रांसफर करूंगा अपने पास से, क्या पहले पैसे ट्रांसफर करूंगा बाद में ड्राफ्ट बनेगा, या ड्राफ्ट पहले ही बन जाएगा? द आंसर इज कि सर पहले आपको 1,00,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ड्राफ्ट बन के संजय के पास जाएगा, तो डेट मीन्स कि पैसा भी उसके साथ हैंड टू हैंड पहुंच गया, संजय को कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले 1,00,000 रुपये डिपॉजिट करूंगा अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, बैंक को मैंने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि 1,00,000 रुपये संजय के नाम पर आप ट्रांसफर करोगे, तो बैंक मेरे को एक ड्राफ्ट, एक चेक टाइप से ड्राफ्ट बना के देगा। तो वो चेक बनेगा तभी, सुनना मेरी बात को, वो चेक बनेगा तभी, अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म से बताऊँ तो ध्यान से देखना। मान के चलो ये बैंक है, मैं गया बैंक के पास, बैंक को जाके बोला मैं विपुल और मैं रहता हूँ नोएडा, ठीक है, मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक के पास जाकर बोला कि संजय जो कि अलीगढ़ में रहता है, उसको मुझे 1,00,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, और उसका ये है बैंक नंबर टू। तो जैसे ही मैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, तो मैं जैसे ही बैंक में गया, मैंने कहा 1,00,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, तो बैंक वाले तुरंत क्या करेंगे, मेरे अकाउंट से 1,00,000 रुपये काट लेंगे, और मेरे को क्या दे देंगे, एक ड्राफ्ट दे देंगे, एक कागज का टुकड़ा दे देंगे, चेक टाइप का होता है, मैं चेक देखा होगा वैसा होता है, एक ड्राफ्ट दे देंगे। अब मैं उस ड्राफ्ट को लेकर संजय को ट्रांसफर कर दूंगा, मैं वो ड्राफ्ट संजय को दे दूंगा, यहां से गया ड्राफ्ट किसके पास, संजय के पास, और जो 1,00,000 रुपया है जो बैंक ने मेरा काटा था, वो 1,00,000 रुपया संजय की बैंक के पास पहुंच गया। तो भी 1,00,000 रुपया किसके पास है, मेरे पास से कट के संजय की बैंक के पास पहुंच गया, तो रुपया तो बैंक टू बैंक गया, बट ड्राफ्ट बैंक ने पहले मेरे को दिया, फिर मेरे पास से ये ड्राफ्ट गया संजय के पास, संजय इस ड्राफ्ट को लेकर गया बैंक के पास, बैंक ने वेरीफाई करी सारी इन्फॉर्मेशन, और ये 1,00,000 रुपये किसे दे दिए, संजय को दे दिए। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म काम करता है। आप बिना पैसे डिपॉजिट करे ड्राफ्ट नहीं बनवा सकते, आपको पैसा डिपॉजिट करवाना ही होगा फॉर द ड्राफ्ट, है ना, तो ये पैसा सिक्योर रहता है। फिर आती है बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक भी बिल्कुल ड्राफ्ट की तरह ही काम करता है, बट द ओनली थिंग इज दैट कि ये बैंक का ड्राफ्ट जो होता है, ये एक सिंगल टाउन के लिए, सिंगल सिटी के लिए, सिंगल डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया। जैसे अब इस केस में था, विपुल नोएडा रह रहा था और संजय कहाँ रह रहा था, अलीगढ़ रह रहा था, संजय इस केस में अलीगढ़ रह रहा था, क्योंकि संजय और विपुल की सिटी अलग अलग है, तो मुझे यहाँ पर ड्राफ्ट की जरूरत पड़ी, बैंक ड्राफ्ट की जरूरत पड़ी, ठीक है। अगर यहाँ पर विपुल भी अलीगढ़ रह रहा होता, अब इस केस में सेंडर और रिसीवर दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस केस में विपुल को ड्राफ्ट की नीड, ड्राफ्ट भी काम कर सकता था, बट ड्राफ्ट की नीड नहीं पड़ेगी, इस केस में बैंकर्स चेक आ जाएगा। तो बैंकर्स चेक भी सेम काम करता है, बात समझे, बट बैंकर्स चेक और ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है कि ड्राफ्ट अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में भी काम कर जाएगा, और बैंकर ड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ दो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करेगा। क्लियर है? अब आता है एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, यानी कि एक बिजनेसमैन को ही मिलती है, ना सर्विस वाले को, ना सेविंग्स अकाउंट वाले को मिलेगी, ना एफडी वाले को, ना आरडी वाले को, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलेगी। इसमें क्या होता है, सपोज करो एक विपुल का एक बिजनेस है, विपुल एंड कंपनी, उसका एक करंट अकाउंट ओपन है कहाँ पर, HDFC बैंक में, ठीक है, और उसके अकाउंट में जो बैलेंस है, ध्यान से देखना, जो अकाउंट में बैलेंस है वो बैलेंस है 6,00,000 रुपये, 6,00,000 रुपये विपुल के अकाउंट में बैलेंस है, और विपुल को क्या दे दी गई है, एक ओडी फैसिलिटी दे दी गई है, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी गई है, कितने रुपए की, सपोज करो 8,00,000 रुपए की, 8,00,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी गई है। तो इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में जो विपुल बैंक से मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकता है वो 6,00,000 रुपए तो खुद के कर सकता है, और 8,00,000 रुपए एक्स्ट्रा कर सकता है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि बैंक अपने करंट अकाउंट के कस्टमर्स को एक सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर कस्टमर ओवरड्रॉ कर सकता है, ओवरड्रॉ मतलब अवेलेबल बैलेंस से भी ज्यादा मनी विड्रॉ कर सकता है,
8 लाख रुपए वो 6 लाख के अलावा भी विड्रॉ कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट 14 लाख विड्रॉ कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट 14 लाख विड्रॉ कर सकता है। अगर बात करेंगे कि इंटरेस्ट किस अमाउंट पर चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन, ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। पूरे के पूरे 14 लाख पर बैंक इंटरेस्ट नहीं लेगा, बैंक जो इंटरेस्ट लेगा सिर्फ और सिर्फ ओवरड्राफ्ट के बैलेंस पे लेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि 6 लाख रुपये तो खुद का है ना, तो 8 लाख रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यही चीज़ें आपके पास गिवन, यही चीज़ आपके पास गिवन है, इसी से कुछ एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इनसे कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। आओ, जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने जो विड्रॉ करा है यही सेम है कि 6 लाख का बैलेंस पड़ा और 8 लाख का ओवरड्राफ्ट है, मैंने जो अमाउंट विड्रॉ करा है वो ₹10 लाख है, तो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस 10 लाख में से कितने अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। पहला केस 1, 2, 3 करके लिख देना। सेकंड केस, मैंने जो विड्रॉ करा है वो विड्रॉ मैंने 6 लाख का करा है। थर्ड केस, जो मैंने विड्रॉ करा है वो विड्रॉ मैंने 8 लाख का करा है। एंड फोर्थ केस, जो मैंने विड्रॉ करा है वो विड्रॉ मैंने क्या बोलते हैं आपका 15 लाख का करा है। तो एक एक करके जल्दी से बच्चों वीडियो को अभी की अभी पॉज करो और इसका आंसर जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कर दी वीडियो पॉज, कर दी कर दी कर दी, लिख दिया आंसर, जल्दी लिख दिए, लिख दिए, पक्का पक्का, चलो आओ। पहले केस में विड्रॉ कराए 10 लाख बट अवेलेबल बैलेंस था 6 लाख, तो बाकी का निकाला 4 लाख, तो 4 लाख क्या है ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट इसी के ऊपर चार्ज करा जाएगा, क्लियर है। दूसरे केस में 6 लाख विड्रॉ कराए और 6 लाख अवेलेबल हमारे पास था, तो हमें नो ओवरड्राफ्ट की कोई नीड ही नहीं है, तो इस केस में नो ओवरड्राफ्ट तो नो इंटरेस्ट, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना बैंक को। इस केस में 8 लाख कराया तो 8 लाख में से 6 लाख तो था, तो 2 लाख हमने क्या लिया होगा ओवरड्राफ्ट लिया होगा, तो इसके ऊपर जो ये हमारा क्या ओवरड्राफ्ट और इसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करी जाएगी। अब आया 15 लाख, अब भैया 15 लाख तो हम विड्रॉ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 14 लाख की, तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं भाई, 6 लाख खुद के पास है, 8 लाख ओवरड्राफ्ट लिमिट है, 14 लाख ही आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, 14 लाख ही आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, तो 15 लाख रुपये तो उससे ज़्यादा तो आप निकाल ही नहीं सकते, 14 लाख एक रुपये भी नहीं निकाल सकते अगर 14 लाख तक की ही आपके पास कैपेसिटी है तो, क्लियर है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अंडर दिस अरेंजमेंट, अंडर दिस फैसिलिटी, अ कस्टमर जिसके पास करंट अकाउंट है उसको अलाउ करा जाता है कि वो विड्रॉ कर सकता है मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट, अपने अकाउंट में जितना बैलेंस अवेलेबल है उसके करंट करंट अकाउंट में जितना बैलेंस अवेलेबल है उससे ज्यादा पैसे वो निकाल सकता है और इंटरेस्ट भी उसी एक्स्ट्रा अमाउंट पर चार्ज होगा, इंटरेस्ट भी उसी एक्स्ट्रा अमाउंट पर चार्ज होगा, क्लियर है। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट बेसिकली यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी बॉरोअर विड्रॉ कर सकता है अप टू अ सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी, अप टू अ सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको कोई भी गिरवी रखनी पड़ेगी, तो लिमिट बोलते हैं इसे ना, कैश लिमिट मतलब कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट लिमिट भी बोल देते हैं इसे, और जो हम जनरल जो लाइफ में वर्ड यूज करते हैं, रियल लाइफ में यूज करते हैं, उसे बोलते हैं लिमिट। तो लिमिट क्या होता है कि आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से बोला कि मुझे लिमिट चाहिए, कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए, तो बैंक ने बोला कितनी लिमिट चाहिए, मैंने बोला 50 लाख की लिमिट चाहिए, फील क्लियर है। बैंक ने बोला कोई चीज़ गिरवी रखो, मैंने 1 करोड़ रुपए के घर के कागज गिरवी रख दिए, बैंक सेटिस्फाई हो गया, बैंक ने मेरे को 50 लाख की लिमिट, एक लिमिट अलग से दे दी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं उस लिमिट में से कितने मैक्सिमम रुपये विदड्रॉ कर सकता हूँ, 50 लाख रुपीज विदड्रॉ कर सकता हूँ, क्लियर है। तो अगर मैं कि चलो मैंने 50 लाख विदड्रॉ करे, इंटरेस्ट लगेगा 50 लाख पर, अगर मैंने विदड्रॉ ही सिर्फ और सिर्फ 10 लाख करे, 50 लाख की लिमिट में से 10 लाख ही विड्रॉ करे, तो क्या पूरे 50 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, लिमिट के केस में यही फायदा होता है, जितना आप लिमिट में से पैसा यूज करोगे, अगर आप फुल मनी यूज कर रहे हो फुल मनी पे इंटरेस्ट लगेगा, अगर आप एक पार्शियल मनी पार्टेड मनी यूज कर रहे हो, यानी कि एक हिस्सा यूज करे उसका, है ना, 50 लाख से कम यूज कर रहे हो, तो जितना पैसा आपने विड्रॉ करा उतने पर ही सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप मान के चलो मैंने 50 लाख थे, 50 लाख में से मैंने 30 लाख विड्रॉ कर लिए, तो 30 लाख पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मेरे पास 20 लाख रुपए आया, मैंने 20 लाख रुपए दोबारा डिपॉजिट कर दिए, तो अब लिमिट जो हो गई 40 लाख की हो गई, अब 10 लाख रुपए तो बाहर निकला पड़ा है, 30 लाख निकाले थे, 20 लाख जमा कर दिए, बचे 10 लाख,
तो 20 लाख जमा करने के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10 लाख पे ही लगेगा। क्लियर है? फिफ्थ होता है लोन भी हम ले सकते हैं। लोन क्या होता है? एक लमसम एडवांस होता है तो रिपेएबल करा जाता है एक स्पेसिफाइड पीरियड में, मतलब बेसिकली बैंक से उधार ले लिया और बैंक को एक टाइम के अंदर हमें वापस करना होता है। ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, यानी कि इसके बदले कोई चीज़ हम लोग गिरवी भी रख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि गिरवी रखें, मतलब गिरवी भी रख सकते हैं, नहीं भी गिरवी रख सकते हैं, लोन मिल जाता है। पर्सनल लोन ज़्यादातर जो मिलते हैं वो अनसिक्योर्ड मिलते हैं, मतलब उसके बदले वो गिरवी नहीं रखा जाता और ईएमआई पे करते रहते हैं। क्लियर है? है ना? और इनको हम लोग इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, लोन के केस में जिस दिन आपके पास लोन आ गया, पूरे के पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, चाहे आप पैसे को यूज़ करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोन अगर आप लोगे तो पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे आप पैसा यूज़ करो ना करो। लिमिट या केस में जितना आप पैसा यूज़ करोगे उसके ऊपर ही आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, डिजिटल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ द बैंक या फिर ई बैंकिंग। यानी कि जब हम बात करते हैं बैंकिंग की, तो जैसे कि आज के टाइम पर आपको पता है कि सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो आज के टाइम पर एक कॉन्सेप्ट आता है ई बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो इसके क्या, ई बैंकिंग के क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक प्लास्टिक कार्ड होता है, इट इज अ प्लास्टिक कार्ड। और उस प्लास्टिक कार्ड का क्या मतलब होता है कि आप उस प्लास्टिक कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप एटीएम से उस प्लास्टिक कार्ड के थ्रू मनी विड्रॉ कर सकते हो। बट देयर इज अ कंडीशन टू इट। उसको कंडीशन क्या होती है कि आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा होना चाहिए। आपके अकाउंट में जितना बैलेंस रहेगा, जितना बैलेंस अवेलेबल होगा, मैक्सिमम उतने अमाउंट की ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो थ्रू द डेबिट कार्ड। तो इट इज अ फैसिलिटी ऑफर टू द अकाउंट होल्डर्स। अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी मिलती है कि टू मेक पेमेंट, आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, कितने अमाउंट तक, अप टू द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट। यानी कि आपके अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस होगा, बेसिकली द बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट, उतना मैक्सिमम आप पेमेंट कर सकते हो, उतना मैक्सिमम आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। नेक्स्ट होता है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक अलग अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको एक लिमिट प्रोवाइड करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड पर लिमिट हमें गिविन है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, तो ये जो 1 लाख रुपए की लिमिट है ये हमारे अकाउंट से अलग रहेगी। इस लिमिट का हमारे अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। इफ अगर हमारे अकाउंट में 0 रुपीज भी होंगे तब भी हम 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ लोन कि आप 1 लाख रुपए तक का लोन अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके जब मन चाहे तब ले सकते हो। क्लियर है? 1 लाख रुपीज तक का। तो क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की तरह ही होता है विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट। इसके अंदर मतलब देखो, बैंक अकाउंट के अंदर आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, बट क्रेडिट कार्ड का बैलेंस नहीं होता। इसके अंदर आपको क्या दी जाती है, एक लिमिट दी जाती है, स्पेंडिंग लिमिट दी जाती है। इट इनेबल्स द कार्ड होल्डर टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू अ फिक्स लिमिट। तो इसको मैं बच्चों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बोल सकता हूं कि यू कैन विथड्रॉ ₹1 लाख इफ यू आर हैविंग 0 रुपीज इन योर अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपीज भी हैं तब भी आप 1 लाख रुपए तक की लिमिट अपनी स्पेंड कर सकते। तो एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तक की तरह ही होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी। और कितनी लिमिट मिलेगी ये पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी की रेपुटेशन कैसी है। किसी इंसान की रेपुटेशन कम अच्छी है तो उसे कम लिमिट का कार्ड मिलेगा। किसी इंसान की लिमिट क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है तो उसको उतनी ही ज्यादा लिमिट मिलेगी। आई हैव सीन पीपल जिनकी 30-30, 35-35 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट है, और मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी 14-14, 15-15 हज़ार रुपए तक की क्रेडिट लिमिट है। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द पार्टी। सेकंड, थर्ड होता है हमारा RTGS और NEFT। इसको हम लोग एक साथ ही समझते हैं, क्या होता है RTGS और क्या होता है आपका NEFT। देखो, दोनों चीजें जो होती हैं, दोनों जो फैसिलिटी होती हैं, ये दोनों फैसिलिटी यूज करी जाती है मनी ट्रांसफर करने पर। यानी कि जब एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करा जाएगा, ये तभी यूज करा जाएगा। क्लियर है? बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट कि RTGS के लिए आपके पास मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, वो मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए होने चाहिए। मिनिमम अमाउंट आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपका ट्रांजेक्शन 2 लाख या उससे ज्यादा है तभी आप RTGS कर सकते हो। अगर आपका अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है तब आप नेफ्ट का यूज करेंगे। तो अगर आपका अमाउंट
आपका अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए नेफ्ट अवेलेबल है। पहला डिफरेंस तो दोनों के अंदर ये है। बट दूसरा बात आप समझो कि आरटीजीएस के अंदर जो मनी ट्रांसफर होता है, जो मनी ट्रांसफर होता है वो रियल टाइम में हो जाता है। किस में हो जाता है? रियल टाइम में। सर व्हाट डू यू मीन बाय रियल टाइम? रियल टाइम का मतलब इमीडिएटली, रियल टाइम का मतलब इमीडिएटली, हैंड टू हैंड। आपने अभी रिक्वेस्ट डाली, आपने अभी रिक्वेस्ट डाली कि मुझे को मनी ट्रांसफर करवाना है, मेरा अमाउंट 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो जिस टाइम पर आप रिक्वेस्ट अप्लाई करोगे उसी टाइम पर आपके अकाउंट से पैसे कटकर रिसीवर के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनईएफटी की, एनईएफटी के अंदर ऐसा नहीं होता। एनईएफटी में जो पैसे जाते हैं वो ब्लॉक्स में जाते हैं। वो किस में जाते हैं? ब्लॉक में जाते हैं। कहने का मतलब क्या कि एनईएफटी के लिए कुछ टाइम पहले से ही, कुछ स्लॉट पहले से ही अलाउ करे जाते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान के चलो 4 स्लॉट इन्होंने कर रखे हैं। एक कर रखा है 12 बजे का, एक कर रखा है 1 बजे का, एक कर रखा है आपका 2 बजे का, और एक कर 3 बजे का, और एक कर रखा है मान के चलो 4 बजे का, ये मान के चलो। तो अगर आप 12 बजे तक जितने भी एप्लीकेशन होंगे उन सबको इकट्ठा कर उनका पैसा ट्रांसफर करा जाएगा 12 बजे। यानी कि आप 11:30 पर भी एनईएफटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 11:30 पे पैसा नहीं कटेगा, 11:30 पे पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। एनईएफटी के अंदर जो मनी ट्रांसफर करा जाएगा वो 11:30 के बाद जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक पर मनी ट्रांसफर करा जाएगा। तो 11:30 के बाद 12 बजे मनी ट्रांसफर करा जाएगा। तो 12 बजे से पहले बैंक के पास जितनी भी एनईएफटी की एप्लीकेशन आएंगी, बैंक उन सारी एप्लीकेशन को इकट्ठा करके ट्रांसफर तभी करेगा जब 12 बज जाएंगे। ऐसे ही 1 बजे वो ट्रांसफर होगा जो 12 से 1 के बीच में एप्लीकेशन आई, 3 बजे वो ट्रांसफर होगा जो 1 से 3 के बीच में आई। तो यहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। तो आइए अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं क्या कि आरटीजीएस आर द फंड ट्रांसफर सिस्टम। इस पर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। वेयर द ट्रांसफर ऑफ मनी और सिक्योरिटी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन अकाउंट टू द अनादर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर होगा ऑन अ रियल टाइम बेसिस, ऑन ए रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम का मतलब इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। एंड ऑन ग्रॉस बेसिस, ग्रॉस बेसिस का मतलब ये हो गया कि ये जो हमने यहां पर मनी ट्रांसफर करा था ये इंडिविजुअल मनी ट्रांसफर हुआ था, मतलब किसी के साथ इसको ट्रांसफर नहीं करा गया, किसी के साथ इसकी ग्रुपिंग नहीं करी गई। बट यहां पर सपोज करो कि मैंने 11:30 बजे मेरे को 50,000 किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो अकेला 50,000 ट्रांसफर नहीं करा जाएगा। इसके साथ जितनी भी एप्लीकेशन 12 बजे तक बैंक के पास पहुंचेंगी, ये 50,000 उन सारे अमाउंट्स के साथ ट्रांसफर करा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें से ग्रॉस बेसिस यानी कि इंडिविजुअल बेसिस पर और इमीडिएटली आरटीजीएस के अंदर ट्रांसफर होता है। मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपीज होगा। बट अगर एनईएफटी की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात करें, तो द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनादर। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प बोथ द पार्टी फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक, डिपॉजिटिंग चेक एक्सेट्रा, मतलब चेक का झंझट खत्म हो जाता है। आप डायरेक्टली बैंक को एप्लीकेशन दो और बैंक आपके अकाउंट से जितना भी आप पैसा चाहते हो जो कि 2 लाख रुपए से कम होगा वो आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर देगा रिसीवर के अकाउंट में। द की डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस इज दैट आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच में डिफरेंस क्या है कि आरटीजीएस ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे चलता है, यानी कि इंडिविजुअल ट्रांसफर करा जाता है, इमीडिएटली ट्रांसफर करा जाता है। बट एनईएफटी नेट सेटलमेंट के ऊपर चलता है, यानी कि भाई इसको ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर करा जाता है, अमाउंट का ग्रुप बनाकर एक पर्टिकुलर टाइम पर इसको ट्रांसफर करा जाता है। क्लियर? अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर आगे आता है हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे हम लोग एटीएम भी बोलते हैं। कुछ बच्चों को इसकी फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन की बजाय ऑल टाइम मनी लगती है। ऑल टाइम मनी इज अ कहते हैं ना, हम जो अपनी जनरल लाइफ में जो हम यूज कर लेते हैं कि ठीक है हम किसी भी टाइम पर इससे पैसा निकाल सकते हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बट जब मैंने अपने टाइम पर इसे पढ़ा था तो मुझे मतलब समझ में आया इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हु इज द टेलर? टेलर वो इंसान होता है जो कि बैंक के अंदर हम लोगों के पैसे डिपॉजिट करेगा और जो हम लोगों को पैसे विड्रॉ करके देगा। इंसान बैठा होता ना, है ना, जो हम लोग पैसे देते हैं उसको गिनता है, चेक करता है नोट असली है या नहीं है, है ना, उसको एक मशीन में लगाएगा, फिर मशीन चलेगी दुर करके वो नोट गिनेगी, चेक करेगी नोट असली है या नहीं है, तो ये सारी चीजें। तो अगर वो टेलर वाला काम एक मशीन करने लगे वो भी ऑटोमेटिक बेसिस के ऊपर, तो उसको बोला जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम से हमने कार्ड से पैसे निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली बस हमें अमाउंट डालना है, कार्ड का पिन डालना है, ऑटोमेटिकली पैसा हमारा विड्रॉ हो जाएगा, हमें किसी की इंसान की नीड ही नहीं है। और आजकल जो एटीएम्स आ रहे हैं उसके अंदर हम लोग मशीन से पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। सो द पर्सन हु मेक्स पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज अ टेलर।
ठीक है। द एटीएम रेफर्स टू द मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर विच कैन डू अ टेलर जॉब, वो टेलर की जॉब कर सकता है मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक बेसिस 24 आवर्स पूरे दिन इन एट लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन टेलर। तो एक बैंक को जो ह्यूमन टेलर की कॉस्ट होगी उसके आधे खर्चे पर एटीएम अवेलेबल हो जाता है। तो आप ये सोच के देखो, आप ये सोचते होगे यार पूरे बैंक के अंदर चार पांच एसी हम लोगों को मिलेंगे, यार इतने छोटे से एटीएम के अंदर एक एक टन के दो एसी लगा देते हैं, है ना, वो जून के महीने में भी शिमला बना रहता है। तो बैंक इतनी फैसिलिटी एटीएम में क्यों प्रोवाइड करवाती है, ताकि कस्टमर जो है एटीएम के साथ अट्रैक्ट हो, क्योंकि अगर कस्टमर ह्यूमन टेलर से ये काम करवाएगा उससे आधी कॉस्ट में ये काम बैंक को एटीएम से बढ़ जाता है। तो डेट्स वाई वो एटीएम में काफी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो इसमें से एसी एक कहते हैं ना एक मार्केटिंग क्या बोलते हैं टेक्निक है बेसिकली, कि लोग एटीएम के साथ अट्रैक्ट हो, उनको एटीएम का एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं। बात ही समझ में आप फिर नहीं आई, क्लियर है, क्योंकि एटीएम का खर्चा एक ह्यूमन टेलर से आधा होता है अप्रोक्सीमेटली। फिर लास्ट आता है ई कैश या डिजिटल कैश, ये बेसिकली वही चीज जो आज हम लोग यूज करते हैं, दैट इज यूपीआई वॉलेट पेमेंट्स। तो बेसिकली कैश हमारे पास अवेलेबल है बट वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हमारे अकाउंट में है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ की ट्रांजेक्शन के तौर भी यूज कर सकते हैं। अगर 10 रुपए भी ट्रांसफर करने हैं तो विद इन सेकंड्स वो मनी जो है सेंडर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ऐसा कैश की तरह ही हम उसे यूज करते हैं, बट इट इज एन ई कैश। तो इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ई कैश इज यूज ओवर इंटरनेट, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ईमेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पर्सनल कंप्यूटर की या फिर मोबाइल की। तो बेसिकली आप इन चीजों से ये सिस्टम को यूज कर सकते हो। द यूजर मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर, ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, फोन पे, भीम, गूगल पे, यूपीआई, यूपीआई का भी अपना एक अलग ऐप है जिसके यूपीआई आईडी के थ्रू आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, एंड ई कैश बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर ई कैश कैन बी विदड्रॉन और डिपॉजिटेड, बेसिकली नॉर्मल बैंक अकाउंट। पेटीएम का भी बैंक अकाउंट हुआ करता था, डेट इज कॉल्ड पेमेंट पेटीएम सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है, बट वो कुछ आरबीआई के साथ चक्कर हुआ था, बंद हुआ था। ई वॉलेट्स भी इस केस में आते हैं, बहुत सी कंपनी ई वॉलेट्स यूज करती हैं, फॉर एग्जांपल फोन पे यूज करता है, अमेजोन पे यूज करता है, आपका क्या बोलते हैं मोबीक्विक ई वॉलेट का यूज करता है। तो कुछ ई वॉलेट्स भी होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होते हैं, आप अपने अकाउंट से उसके अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन इजिली होती है। जो कॉन्सेप्ट आया था यूपीआई से पहले वो वॉलेट का ही कॉन्सेप्ट आया था, पेटीएम का वॉलेट का ही कॉन्सेप्ट था, बट वो अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ड्यू टू सम आरबीआई गाइडलाइंस। क्लियर है, ओके। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इंटरनेट के थ्रू इन चीजों को भी आसानी के साथ यूज कर सकते हैं और ये आपके बैंकिंग एक्सपीरियंस को और आपकी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कहना प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व कर देता है और आपके बैंकिंग एक्सपीरियंस को पॉजिटिव इफेक्ट देता है। नेक्स्ट आता है आरटीजीएस के फीचर, ये बेसिकली बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो बैंक में कंट्रोल होता है वो आरबीआई कंट्रोल करती है, यहां पर कोई फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता, कोई कैश एक दूसरे को नहीं दिया जाता। इनफैक्ट जो कैश डिजिटल फॉर्म में होता है वो डिजिटल फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता। द आरबीआई मेक एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स ऑफ बोथ द बैंक्स। सो आरबीआई बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट का बैलेंस कम कर देगा, सेंडर के अकाउंट का बैलेंस कम कर देगा और रिसीवर के अकाउंट का बैलेंस बढ़ा देगा। तो ऐसा लगेगा कि मनी ट्रांसफर हो चुका है, बट एक्चुअल में क्या करा, उन्होंने बुक्स में छेड़खानी करी है, उन्होंने बुक्स में एडजस्टमेंट करी है, एक्चुअल में मनी नहीं गया। अगर मैं एक अकाउंट की जनरल एंट्री पास करूं कि एक हमारा डेटर है और एक हमारा क्रेडिटर है, तो डेटर ने क्रेडिटर को पेमेंट देने का बोल दिया है, अभी पेमेंट करा भी नहीं है, डेटर ने बस हमको ये बोला है कि मैं जो आपका ये 1,00,000 रुपए है वो आपके क्रेडिटर को पहुंचा दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्रेडिटर भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां पर कोई फिजिकल अमाउंट ऑफ ट्रांसफर अभी नहीं हुआ, बट हम लोग एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, दैट इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो उससे क्या शो होगा कि डेटर से पैसे आ गए, क्रेडिटर के पास पैसे पहुंच गए, और क्या बोलते हैं, बट इस केस में कोई भी फिजिकल ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसे बैंकिंग भी करती है कि सेंडर के अकाउंट को कम कर देगी, रिसीवर के अकाउंट को बढ़ा देगी, बस। क्लियर। द आरटीजीएस इज सूटेड फॉर द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए करा जाता है। जो मिनिमम वैल्यू होती है जैसे मैंने बताया था वो 2,00,000 होनी चाहिए, 2,00,000 या उससे ज्यादा। द पेमेंट इज टेकन एज फाइनल एंड इरिवोकेबल, फाइनल मतलब कि एक बार अगर आपका पैसा ट्रांसफर हो गया तो आप उसको वापस नहीं मंगवा सकते, मतलब आपने अपनी साइड से पैसा ट्रांसफर कर दिया, आप उस पैसे को ये नहीं बोल सकते कि गलती से हो गया तो आप अपने पास से बैठे बैठे कुछ करके वहां से पैसा वापस आ जाएगा, नहीं। इस केस में आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक जाओगे बताओगे, फिर वो रिसीवर से बातचीत करेंगे, तब ये सारा सेटलमेंट हो जाएगा, तब पैसा भले वापस आ सकता है, बट आप अपने एंड से वो ट्रांजेक्शन कैंसिल करके पैसा वापस नहीं मंगा सकते, आपके एंड से वो फाइनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्लियर।
फीस ऑफ आरटीजीएस वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, आरटीजीएस की ऑफ कोर्स फीस होती है वो बैंक टू बैंक वेरी करती है। आरबीआई ने अपर लिमिट ऑफ फीस भी रख रखी है कि भाई इससे ज्यादा आप आरटीजीएस में पैसा नहीं ले सकते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक, कोई बैंक 10 रुपए लेती है 10,000 रुपए का, है ना, कोई बैंक 10 रुपए लेती है 1,00,000 का, तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। जनरली प्राइवेट बैंक जो होते हैं उनका फीस हाई होता है, और जो सरकारी बैंक जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनका फीस थोड़ा कम होता है। क्लियर है। बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू द कस्टमर, ई बैंकिंग कस्टमर को क्या बेनिफिट देती है? पहली बात, डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। विद ई बैंकिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। यू कैन डू द पेमेंट डिजिटली, आपको फिजिकल कैश देने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मतलब बेसिकली यू कैन चेक कि वेदर ट्रांजेक्शन इज डन और नॉट, आप उस चीज को छुपा नहीं सकते, वो एक सबूत की तरह भी काम करता है। इट इज अ ओपन बुक कि हाँ भाई देख इस स्टेट पर इतने पैसे ट्रांसफर हुए थे, ना रिसीव करने वाला झूठ बोल सकता और ना ही सेंड करने वाला झूठ बोल सकता। क्लियर है। ये 24/7 रहता है, ये हर टाइम पर 24/7 पूरे वीक 365 डेज काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी बंद होता है सिस्टम, नहीं, ये पूरे टाइम काम करता रहता है। थर्ड, इट इज वेरी कन्वीनियंट, है ना, इट इज वेरी कन्वीनियंट। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शंस फ्रॉम ऑफिस, हाउस और वाइल ट्रेवलिंग थ्रू मोबाइल फोन्स। आज के टाइम पर तो आपको पता है कि पैसे की तो ऐसी कोई टेंशन रही नहीं है, कि अगर आप विदाउट वॉलेट भी घर से निकल जाओगे तो आप अपने फोन पे, आपकी इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपने फोन से कहीं भी पेमेंट कर सकते हो, कहीं पर भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, तो घर बैठे कर सकते हो, ऑफिस से कर सकते हो, ट्रैवलिंग के टाइम पे कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को काफी ज्यादा कन्वीनियंट फील होता है, क्योंकि उसे बार बार बैंक जाने की नीड नहीं है। फोर्थ होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्योंकि जो ई बैंकिंग है ये बना इस तरीके से गया है कि ये आपकी एक एक ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, जिससे आपके पास एक क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड रहेगा कि भाई मैंने इस दिन इतने खर्चे कर दिए। तो जिससे आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन भी हो सकते हैं, कि आपको पता लगेगा कि मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो इन खर्चों को कम करूं। आपको ये भी पता लगेगा कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जहां पर मेरे खर्चे सबसे ज्यादा करे जा रहे हैं, तो उस कंपोनेंट पे खर्चे करना बंद करूं। तो सिर्फ फाइनेंशियली आप डिसिप्लिन भी हो जाओगे, आप अपने पैसे को लेकर अच्छी प्लानिंग करना सीख जाओगे। फिफ्थ होता है अनलिमिटेड एक्सेस, और आप ये कितनी भी बार कर सकते हैं। अगर आपको एक बार ट्रांसफर करना है, एक दिन में दो बार करना है, 10 बार करना है, तो आप कर सकते हो। तो ई बैंकिंग लीड्स टू द ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच। ठीक है, अगर आप ब्रांच में जाओगे, बार बार छोटे मोटे ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, तो जो टेलर होगा वो भी थोड़ा परेशान हो जाएगा। बट आप यहां पर कितनी भी बार अपने नेट बैंकिंग को ऑपरेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, कितनी भी बार अपने यूपीआई को एक्सेस कर सकते हो, कितनी बार मनी ट्रांसफर कर सकते हो, यहां पर कोई शिकायत करने नहीं बैठा। इसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस और ज्यादा इनहांस हो जाता है, कस्टमर और ज्यादा खुश हो जाता है, समझे। सिक्स्थ है, ये लेस रिस्की होता है, देयर इज अ ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर। कस्टमर को अच्छी खासी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, पहली बात, जब साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है तो उनका जो अकाउंट बैलेंस होता है वो सेफ रहता है, वो भरोसा कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर। दूसरी बात, अगर किसी कस्टमर को कहीं घूमने जाना है, ट्रेवलिंग करने जाना है, तो पहले क्या होता था कि हम लोग बहुत सारा कैश अपने साथ रख के चलते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स यार इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है, है ना, वहां पैसे पता नहीं कैसे निकलेंगे। लेकिन आज के टाइम पर ये सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है, यूपीआई इतनी हर जगह पर एक्सेप्टेड है, कि आपको बहुत ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं है। तो जो कैश का रिस्क है, कैश का ट्रेवलिंग के टाइम रखने का रिस्क है, वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो आप लेस कैश के साथ भी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। कूल, बेनिफिट्स को बैंक का क्या, जो फायदे बैंक को होते हैं, अभी तो कस्टमर के लिए फायदे पड़े थे, लेकिन बैंक को क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर कस्टमर यूज करता है बैंक का, ई बैंकिंग हर कस्टमर यूज करेगा, तो उसका ई बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस होता है ना कस्टमर का, वो भी बैंक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, कि भाई हमें अपनी ई बैंकिंग को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करके चलना है। तो जिस बैंक का ई बैंकिंग बहुत अच्छा होगा, वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तरह काम करेगा, यानी कि कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने में हेल्प करेगा। अगर मान के चलो एक बैंक ए है, एक बैंक बी है, तो बैंक बी का इंटरनेट जो ई बैंकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट बैंक ए की ई बैंकिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी सर्वर हैंग नहीं करता, है ना, बहुत ईजी टू यूज है ना, कस्टमर फ्रेंडली है। तो इन दैट केस बैंक को बी बैंक के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, कि भाई हम वी आर द बेटर कॉम्पिटिटर,
हम तुमसे बेटर है, हमारे पास बेटर प्रोडक्ट है। तो ई बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बैंक का। सेकंड, अनलिमिटेड नेटवर्क। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। एनी पीसी कनेक्टेड टू अ मॉडम अ टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो बेसिकली यहाँ पर यह बोला जाता है कि बैंकिंग ने जब से अपनी सारी ब्रांचेस को ई बैंकिंग से कनेक्ट कर दिया, तो कस्टमर जो बैंकिंग का जो नेटवर्क हो गया वो अनलिमिटेड हो गया। अब बैंक सिर्फ और सिर्फ चार दिवाली के बीच में नहीं बचा, बैंक हर किसी के मोबाइल पर है, बैंक हर किसी के कंप्यूटर पर है। क्लियर है? जिस इंसान के पास इंटरनेट है, जिस इंसान के पास कंप्यूटर है, जिस इंसान के पास मोबाइल फोन है, बैंक उसके पास मौजूद है। तो इससे बैंक का भी तो फायदा हो रहा है ना, कि पहले बैंक एक एरिया में हुआ करता था, अब बैंक हर किसी की जेब में रखा हुआ है। तो बैंक की जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एनहांस हो गई है। थर्ड है रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कस्टमर अपने फोन पे ही कर लेता है, उसे अकाउंट बैलेंस चेक करना है अपने फोन से ही ऑपरेट कर सकता है, पैसे ट्रांसफर करने अपने फोन से ही कर सकता है ना, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट विड्रॉ करना अपने फोन से विड्रॉ कर सकता है। कस्टमर केयर सर्विस इतनी बेटर कर दी है कि घर बैठे बैठे वो अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से बैंक का लोड काफी कम हो गया। इंटरनेट आने की वजह से बैंक का लोड काफी कम हो गया। तो द लोड ऑन द ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस बाय एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज डेटाबेस एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस की वजह से क्या हुआ कि भाई आपने सारी, जैसे मान के चलो HDFC है, HDFC ने अपनी पूरी इंडिया की बैंक्स जो है एक डेटा से कनेक्ट कर दिए हैं, एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। बात ही समझ में? इससे फायदा ये होता है कि मान के चलो मैं अपने फोन से भी बैंक अपने अकाउंट का डेटा निकाल सकता हूं, तो मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक का लोड कम होगा। दूसरा फायदा ये होता है कि मान के चलो मेरा जो अकाउंट है वो अलीगढ़ है, अब मैं छोटे छोटे काम के लिए अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, क्योंकि नोएडा का HDFC बैंक मेरे अलीगढ़ के HDFC बैंक से ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो मैं यहां से भी काम करवा सकता हूं, नोएडा की ब्रांच से भी काम करवा सकता हूं। तो ये कस्टमर को भी फायदा देता है, ये बैंक्स को भी फायदा देता है, समझे? नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है इंश्योरेंस सर्विसेज। अभी तक हमने पढ़ा था हमारा बैंकिंग सर्विसेज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इंश्योरेंस सर्विसेज, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द बिजनेस। क्यों? देखो ध्यान से सुनो, इंश्योरेंस में जनरली दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंश्योरर, और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन हुआ? इंश्योर्ड जिसको इंश्योरेंस दिया जाता है, बेसिकली से बायर भी बोल सकता हूं, जो इंश्योरेंस खरीदता है और जो इंश्योरेंस सेल करता है ना, ये सेल करता है, इसे इंश्योरेंस कंपनी भी बोल सकते हैं, और इसे हम लोग कस्टमर भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम लोग बिजनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। बातें समझ में? क्लियर है? तो इस केस में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस को ये बोलती है कि आपके कुछ लॉसेस को हम लोग कवर कर देंगे, मतलब कि आपके कुछ अगर नुकसान हुए, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो, आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से, चीजें खराब होने की वजह से, टूट फूट होने की वजह से, उनसे जो होने वाला लॉस है हम उस लॉस को कॉम्पनसेट कर देंगे, यार क्या बात कर रहे हो। सपोज करो मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, फायर इंश्योरेंस ले रखा है, अब मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और मुझे 2 लाख का नुकसान हो गया, मेरे पास इंश्योरेंस है तो मैं 2 लाख रुपए क्लेम कर सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि उसने मेरे से वादा करा है, क्योंकि उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा है कि वो मेरे फायर से होने वाले लॉसेस को कॉम्पनसेट करेगा, उसकी भरपाई करेगा। तो मेरे को लॉस हुआ वो मेरे लॉस को रिकवर कर देगा, मेरे लॉस का पैसा मुझे दे देगा, कितनी बढ़िया है। क्या ये फ्री में करता है? द आंसर इज नो। इसके बदले में कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है, प्रीमियम माने कि एनुअली या मंथली या क्वार्टरली कुछ पैसे जो कस्टमर है, जो बिजनेस है, वो इंश्योरेंस कंपनी को देगा, फ्री में तो नहीं करेगा ना। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो यही है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इंश्योरर के बीच में, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में, बिजनेस के बीच में, इन दैट केस इन विच इंश्योरर एग्री करता है टू मेक गुड द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड। अगर बिजनेस को या कस्टमर को कोई लॉस हुआ, उस लॉस को ठीक करने की एश्योरेंस देता है कौन? इंश्योरेंस कंपनी, कि भाई साहब अगर आपको कोई लॉस हुआ इस रीजन की वजह से, तो ये लॉस हम आपको कवर कर देंगे, 2 लाख का लॉस है हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, 3 लाख का लॉस है हम आपको 3 लाख रुपए दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बात आई समझ में? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, लेकिन ये जो लॉस होना चाहिए वो किसी इवेंट की वजह से होना चाहिए,
किसी रीजन की वजह से होना चाहिए, किसी घटना की वजह से होना चाहिए, जैसे चोरी की वजह से होना चाहिए लॉस, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, चोरी की वजह से लॉस होना चाहिए, आग लगने की वजह से लॉस होना चाहिए, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से लॉस होना चाहिए, तभी हम आपको पैसा देंगे। ऐसा नहीं है कि मान के चलो आपने किसी बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, कपड़ों के बिजनेस के अंदर आपने किसी पर्टिकुलर फैशन के ड्रेस खरीदी और वो फैशन बदल गया, अब इससे जो आपको लॉस हुआ हम लोग ये चीज कवर नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपके कोई घटना कवर करेंगे, कोई इवेंट कवर करेंगे, लाइक फायर लगना, चोरी होना, क्या बोलते हैं, कोई टूट फूट हो जाना, इस ऐसी चीजें हम लोग कवर करेंगे, क्लियर है। और इसके बदले में हम आपसे कुछ रेगुलर पेमेंट भी लेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। दिस एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, ये राइटिंग में होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, अब कुछ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल्स क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब कि भाई साहब इंश्योरर और इंश्योर्ड को दोनों को भरोसा रखना होगा एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखाना भी होगा। मतलब क्या बोलते हैं कि एक दूसरे से सच बोलना होगा और एक दूसरे का भरोसा भी करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक इंसान है जिसका नाम है पंकज, इसका नाम है पंकज। अब पंकज ने क्या बोलते हैं, एक कंपनी है, ए कंपनी, ठीक है। पंकज ने एक कंपनी से इंश्योरेंस लिया। इंश्योरेंस कैसा है, हेल्थ इंश्योरेंस है कि अगर पंकज को कल को कुछ मेडिकल इश्यूज हुए, उसमें जो होने वाला खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी से वो खर्चा ले लेगा। क्लियर है, तो बात आपको सबके समझ में आ गई, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। पंकज की तबीयत खराब हुई, उसे कोई प्रॉब्लम हुई, उसमें जो उसका हॉस्पिटल का खर्चा आएगा वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पंकज को दे देगी। सॉर्टेड है मैटर। अब पंकज यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, हर्ट का पेशेंट था। पंकज यहाँ पर ऑलरेडी हर्ट का पेशेंट था, इसको हर्ट की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी। बट पंकज ने ये चीज इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए टाइम पर एक कंपनी को नहीं बताई। पंकज ने ये चीज एक कंपनी को नहीं बताई कि भाई साहब आई एम ऑलरेडी अ हर्ट पेशेंट। अगर ये चीज इंश्योरेंस कंपनी को पंकज पहले से बताकर चलता, वो अपनी ईमानदारी इंश्योरेंस कंपनी को बताता, तो इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है पंकज को इंश्योरेंस ना देती, क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है ना। इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क, भाई जो प्रॉब्लम तुम्हें ऑलरेडी है उसके लिए हम लोग तुम्हें इंश्योरेंस कैसे दे देंगे, या फिर अगर इंश्योरेंस देती वो महंगे प्रीमियम पे देती। बट पंकज ने यहाँ पर चीजें छुपाई। अब क्या हुआ, पंकज ने यहाँ पर चीजें छुपा ली। पंकज को 2 महीने बाद हार्ट अटैक हो गया। पंकज जिंदा बच गया, लेकिन पंकज के 3 लाख रुपए खर्च हो गए। अब ये 3 लाख रुपए कायदे में एक कंपनी को देने चाहिए पंकज को, क्योंकि यही एग्रीमेंट हुआ था। बट फिर एक कंपनी ने जब इन्वेस्टिगेशन करा, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ही पैसा नहीं दे देगी, लेकिन जब एक कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन करा और उसके अंदर ये पता लगा कि भाई साहब पंकज तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से ही पहले हर्ट का पेशेंट था, ये बात पंकज को हमें बतानी चाहिए थी, उसने बहुत बड़ी बात छुपाई, अब हम इसका पैसा नहीं देंगे, इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी से छुपाते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए मना कर सकती है। बात ही समझ में, क्लियर है, नहीं क्लियर है, है ना। यही बात यहां पर बोली गई है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। ये भरोसे के ऊपर करा गया है, क्योंकि भाई इंश्योरर बोलेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इंश्योर्ड बोलेगा कि मेरे साथ ये है, इंश्योर्ड को भी सारी चीजें बतानी पड़ेगी, और इंश्योरर को भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली बोलनी पड़ेगी इंश्योरेंस क्या बोलते हैं इंश्योर्ड को, कि हम आपको इसी केस में पैसा देंगे, हम आपको इस केस में पैसा नहीं देंगे, आपको मैक्सिमम इतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। क्लियर है, द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज, उन्हें सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, ओपन करनी पड़ेंगी, सारे मटेरियल फैक्ट्स को ओपन करना पड़ेगा। मटेरियल फैक्ट्स मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर, एक दूसरे को, एंड बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट, और कोई पार्टी कुछ भी चीज छुपाएगी नहीं, छुपाना नहीं चाहिए, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है, फ्रॉम ईच अदर। अब देखो सीधी बात है, अगर यहां पर पंकज फायर इंश्योरेंस लेने जाता तो उसको ये चीज बताने की नीड नहीं थी कि भाई मैं हर्ट का पेशेंट हूं, क्योंकि हर्ट का बीमारी फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है। बट वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहा है भाई, और पंकज ऑलरेडी अनहेल्दी है, क्योंकि उसको हर्ट का वो पेशेंट है, तो इस केस में पंकज को बताना चाहिए था।
क्लियर। इफ द इंश्योर हाइड्स एनी मटेरियल फैक्ट, अगर इंश्योर कुछ छुपाता है इंश्योरेंस कंपनी से और इंश्योरर को बाद में, यानी कि इंश्योरर कंपनी को बाद में जाकर ये पता लगता है, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से, इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन देने से मना कर सकती है, उसका ये लीगल राइट है, इट इज अ लीगल राइट। फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट बाय द इंश्योर्ड मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर। इस केस में क्या बोलते हैं, इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या वो अब इंश्योरेंस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं करना चाहती। वो उससे ये भी बोल सकती है उस मटेरियल फैक्ट के बाद कि नहीं अभी इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड नहीं है, ये पॉलिसी यहीं पर खत्म हो चुकी है, आपने जितना मेरे को प्रीमियम पे करा हम आपको रिफंड नहीं करेंगे और ना ही हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे क्योंकि आपने हमसे झूठ बोला, अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल को तोड़ा। और वो ये भी बोल सकती है कि हम आपको कॉम्पनसेशन तो पे नहीं करेंगे क्योंकि आपने झूठ बोला, बट अगर आप अपनी इसी हेल्थ के साथ आगे इंश्योरेंस करवाना चाहते हो कि आप चाहते हो कि हम आपकी हर्ट की प्रॉब्लम को भी कवर करें, तो हम आपका प्रीमियम 3 गुना कर देंगे, या फिर हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं बट उसमें हम ये कंडीशन लिख के देंगे कि अब से हम आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम को इंश्योर नहीं करेंगे, कि आपको क्या बोलते हैं हर्ट के अलावा कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी देन इट्स ओके। ठीक है, आपकी कोई मान के चलो फ्रैक्चर हो गया या कोई और भी प्रॉब्लम हुई तो ठीक है, लेकिन हर्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आप ये तो प्रॉब्लम आपके साथ ऑलरेडी है। तो वो इंश्योरर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी सब क्या करना चाहता है, उसे खत्म करना चाहता है, खत्म करना चाहता है खत्म भी कर सकता है, कंटिन्यू करना चाहता है नई टर्म्स एंड कंडीशन पर तो वो भी कर सकता है। ठीक है, वॉइडेबल है, उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है खत्म करना चाहता है या नहीं खत्म करना चाहता, कोई उसे रोकेगा नहीं। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि आप जिस भी चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हो, जिस भी कमोडिटी का इंश्योरेंस करवा रहे हो, उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं बच्चों दुबई घूमने गया और दुबई में जाकर मैंने देखा बुर्ज खलीफा। अब मैंने बोला लो बुर्ज खलीफा का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, मैंने बुर्ज खलीफा का 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा लिया। मैं करवाया नहीं, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कि भाई साहब बुर्ज खलीफा का इंश्योरेंस कर दो 1 करोड़ का। इंश्योरेंस कंपनी मेरे से छूटते ये बोलेगी कि क्या आपका बुर्ज खलीफा में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या आप बुर्ज खलीफा को ओन करते हो कि उसको अगर कोई नुकसान हुआ तो वो आपका नुकसान माना जाएगा। तो बेसिकली ओनरशिप राइट, कि आपके पास बुर्ज खलीफा का ओनरशिप राइट है, मैंने कहा नहीं है, तो बस ठीक है, तो आपका बुर्ज खलीफा में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है। ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगा कि कल को मांग के चलो बुर्ज खलीफा में आग लग गई और उसमें नुकसान हो गया कुछ, ठीक है, तो भाई साहब आप तो हमसे 1 करोड़ रुपए लेने आ जाओगे, है ना, लेकिन एक्चुअल में जो 1 करोड़ का नुकसान होगा वो किसी और का होगा। तो जिसका नुकसान होगा किसका, जो उसको ओन करता है, जो उसको ओन करता है, या फिर वो नुकसान जिसकी जेब से जा रहा है, तो उसी इंसान का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा ना। तो जिसका नुकसान होगा उसी को तो इंश्योरेंस मिलेगा, पॉलिसी का कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्लेम मिलेगा, आपको कैसे मिल जाएगा। जब आप उसे ओन ही नहीं करते, आपके पास उसका कोई राइट नहीं है, तो आपका नुकसान भी नहीं माना जाएगा। पड़ोसी की गाड़ी जल रही है, मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान तो तब होगा जब मेरी गाड़ी जलेगी, समझे या फिर नहीं समझे। तो मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लूंगा, पड़ोसी गाड़ी का इंश्योरेंस लूंगा, पड़ोसी गाड़ी का इंश्योरेंस मिलेगा भी नहीं लेने जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है पड़ोसी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया आया, उसकी गाड़ी में जाके मैंने आग लगा दी और कंपनी में पहुंच गया लाओ पैसा दो। अरे नुकसान पड़ोसी का हुआ, मेरा थोड़ा ना हुआ, मैं कौन होता हूँ पैसा मांगने वाला, समझे। तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जिस भी कमोडिटी का, जिस भी असेट का आप इंश्योरेंस करने जा रहे हो, उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि उसका, उसके साथ जो भी घटना घटती है, उसके साथ जो भी लॉस होगा, वो लॉस आपका लॉस होना चाहिए, आपकी जेब से आपको दुख होना चाहिए उस लॉस का। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर आप जिस भी कमोडिटी के लिए, जिस भी पर्सन के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बिना इंश्योरेंस पॉलिसी लेना एक गैम्बल है, ये एक जुआ है, और ये जुआ है इस वजह से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है एंड लॉ इसको परमिट नहीं करता। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस तब तक नहीं देगी जब तक आपके पास उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आपकी वाइफ है, ठीक है, एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए इंश्योरेंस ले सकती है, एक हस्बैंड अपनी क्या बोलते हैं, एक वाइफ हस्बैंड के लिए ले सकती है, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ले सकता है, क्योंकि दोनों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, दे आर लीगली कनेक्टेड टू इच अदर, लीगली, इमोशनली नहीं, लीगली, लॉ बोलता है ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ले सकती है, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ले सकता है, क्या गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड के लिए ले सकती है,
बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के ले सकता है, द आंसर इज नो, दे आर द कनेक्टेड, अगर दोनों में से किसी को कुछ होता है तो दूसरे इंसान की जान निकल जाएगी, बट लॉ बोलता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आप लीगली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगे तो वो इलीगली ही माना जाएगा, ठीक है, वो लीगली माना नहीं जाएगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तीसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। क्या मतलब सर, समझ नहीं आया, रुको बताता हूं। मान के चलो मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मैंने अपनी शॉप के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, कितने की, 20 लाख रुपीज की। मैंने 20 लाख रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपनी शॉप के लिए, ठीक है, मेरी शॉप में आग लग गई, मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, ठीक है, मेरी शॉप में आग लग गई, जिसकी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ वो 10 लाख का नुकसान हुआ, मेरा जो नुकसान हुआ वो 10 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है, क्लियर। अब इस केस में जो मुझे क्लेम मिलेगा वो क्लेम मेरे लॉस के अमाउंट के बराबर ही मिलेगा, यानी कि 10 लाख का ही मिलेगा। मैं इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब इंश्योरेंस पॉलिसी तो मैंने 20 लाख की ली थी, आप मेरे को 20 लाख दो। अगर मान के चलते हैं, अगर इफ मेरे को जो मिलने वाला क्लेम होता वो 20 लाख का मिल जाता, मान के चलो, तो क्या मेरा नुकसान हुआ 10 लाख का, मेरे को क्लेम मिल गया 20 लाख का, क्या मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता, यही गलत है। तो इंश्योरेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके लॉस को ठीक करना होता है, टू मेक गुड द लॉस, कि लॉस को ठीक करना होता है, लॉस को ठीक करना होता है। तो जितना आपका लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी उतना ही क्लेम करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी, आपको प्रॉफिट नहीं होने देगी, आपके लॉस को रिकवर कर रही है ना, प्रॉफिट के लिए थोड़ा ना आप बैठे हुए हो। बात समझे या फिर नहीं समझे, क्लियर है? तो आप मैक्सिमम जो यहां पर केस कर सकते हो वो 20 लाख का कर सकते, 10 लाख का कर सकते हो, सॉरी, है ना। सेकंड केस लेके चलते हैं कि इंश्योरेंस मेरा 20 लाख का ही है, ठीक है, और मेरे को जो फायर से लॉस हुआ है, फायर लॉस जो हुआ है मेरे को, वो लॉस मेरे को 22 लाख का हो चुका है। अब यहां पर बताओ कितने का क्लेम मिलेगा? अब यहां पर जो आपको क्लेम मिलेगा, वो क्लेम आपको 20 लाख का मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मैक्सिमम लिमिट ही 20 लाख थी, बच्चों समझे नहीं समझे। तो आपको यहां पर क्लेम कितना मिलेगा? क्लेम मिलेगा लोअर द पॉलिसी अमाउंट और द लॉस अमाउंट, कि लॉस और पॉलिसी अमाउंट में जो अमाउंट कम होगा आपको उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो अगर आप इस वाले केस में देखोगे, इस वाले केस में पॉलिसी कितने की है? 20 लाख की है। लॉस कितने का है? 10 लाख का है। लॉस 10 लाख का है, तो लोअर अमाउंट कौन सा है? लोअर अमाउंट 10 लाख है, तो आपको 10 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, ठीक है। इस केस में देखो, इस केस में आपकी पॉलिसी 20 लाख है, ठीक है, लेकिन आपका लॉस जो है 22 लाख है। कम अमाउंट कौन सा है? कम अमाउंट पॉलिसी वाला 20 लाख, तो इस केस में जो क्लेम मिलेगा वो 20 लाख का मिलेगा। तो लोअर द अमाउंट ऑफ पॉलिसी या लोअर द लॉस अमाउंट, जो उसमें से कम होगा वो मिलेगा। द पर्पज ऑफ द इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन। जो इंश्योरेंस का पर्पज होता है वो ये होता है कि भाई साहब आपको जो नुकसान हुआ जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजिशन डाउनग्रेड गई, हमें बस हमारा जो मुद्दा है इंश्योरेंस का उस फाइनेंशियल पोजिशन को ठीक करना है। जहां पहले थे हम आपको वहीं पर लाकर दोबारा से खड़ा कर देंगे, क्लियर है। हम आपको प्रॉफिट नहीं होने देंगे, हम आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देंगे, हम आपकी खाली लॉस को रिकवर करेंगे। आई होप यू गेट इट। थर्ड जो आता है, फोर्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कुछ लोग ना बड़े स्मार्ट होंगे, कुछ लोग बोलेंगे यार एक काम करता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास गाड़ी है और गाड़ी का मैंने जो पॉलिसी ले रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने 15 लाख का ले रखा है, क्लियर है, है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने 15 लाख का ले रखा है, लेकिन ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो 15 लाख का ले रखा है मैंने अलग अलग कंपनी से ले रखा है, यानी ए से भी 15 लाख का ले रखा है, बी कंपनी से भी 15 लाख का ले रखा है, सी कंपनी से भी 15 लाख का ले रखा है, यानी कि ए ने अगर कोई लॉस हुआ तो मैंने दिमाग चलाया कि ए भी 15 लाख देगा, बी भी 15 लाख देगा, सी भी 15 लाख देगा, ये तीनों मेरे को 15-15 लाख रुपए देंगे, तो नुकसान मेरे को एक्चुअल में 15 लाख का होगा, लेकिन मेरे को कितने मिल जाएंगे? 45 लाख मिल जाएंगे, ये मैंने अपना दिमाग चलाया। बट इंश्योरेंस कंपनी मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट निकली। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर आपने सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो इन दैट केस लॉस भी आपका अलग अलग कंपनी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो मेरा लॉस कितना था, मेरा लॉस था 12 लाख का,
गाड़ी चोरी हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख निकाली गई, मेरा लॉस हुआ 12 लाख रुपए का। तो ऐसा नहीं है कि 12 लाख मुझे ए भी देगा, 12 लाख बी भी देगा, 12 लाख सी भी देगा, ना 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 ना, ये 12 लाख रुपए तीनों में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बढ़ जाएगा? उनके पॉलिसी अमाउंट के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो पॉलिसी अमाउंट का रेशियो क्या था? 15:15:15, यानी कि बेसिकली बोल सकते हैं 1:1:1, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली काटेंगे तो 1:1:1 निकलेगा। तो यानी कि 1/3 लॉस ए उठाएगा, तो 12 लाख का 1/3 कितना है? 4 लाख मुझे ए कॉम्पनसेशन देगा, 4 लाख मुझे बी कॉम्पनसेशन देगा, 4 लाख मुझे सी कॉम्पनसेशन देगा। कर ली होशियारी। अगर आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लेते तो वो भी आपको क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा 12 लाख रुपए दे देती। तो अल्टीमेटली एम क्या निकला? यहां पर भी कह सकते हैं कि इंडेमनिटी प्रिंसिपल लगा कि आपको प्रॉफिट नहीं होने देना, ठीक है। और प्रॉफिट यहां पर कैसे नहीं होने दिया? क्योंकि लॉसेस डिवाइड हो गए, कॉन्ट्रीब्यूट हो गए। अगर आपने सेम मैटर पर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है तो उनके पॉलिसी की रेशियो में लॉस भी डिवाइड हो जाएगा। तो पॉलिसी का रेशियो क्या था? 1:1:1। लॉस कितने का था? 12 लाख का। तो लॉस जो है आपके पॉलिसी के रेशियो में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। पॉलिसी अमाउंट के रेशियो में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। कर ली होशियारी? मिले तो 12 लाख ही ना, कर ली। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, सर पता कैसे चलेगा? अरे भाई, दे ऑल आर कनेक्टेड। एक इंश्योरेंस नंबर होता है, ठीक है, एक इंश्योरेंस नंबर होता है, उसे पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है और ये इंश्योरेंस कंपनी चेक कर सकती है कि इस सब्जेक्ट मैटर पे पहले से कोई इंश्योरेंस था तो नहीं ऑलरेडी। अगर है तो वो कर देंगी, आपको खुशी खुशी कर देंगी। क्यों? उनको तो पता है कि सही है, ठीक है, ठीक है। लॉस होगा, हम पैसे उससे पूरे लेंगे, प्रीमियम में नहीं बटेगा, प्रीमियम पूरा लेंगे, ए भी पूरा ले रहा होगा, बी भी ले रहा होगा, सी भी ले रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब लॉस होगा, लॉस दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी खुश, वो भी खुश, क्योंकि पैसे पूरे मिले। एक ही बेवकूफ ने इनको अलग अलग पैसे दिए लेकिन लॉस पूरा पूरा नहीं ले पाया, लॉस रेशियो में ही लेगा, समझे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, एक ही गाड़ी के ऊपर एक से ज्यादा इंश्योरेंस ले लिया था, तो ऑल द इंश्योरर्स, जितने भी इंश्योरेंस होंगे, वो लॉस को कॉन्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, लॉस को कॉन्ट्रीब्यूट कर लेंगे और सब मिलकर इंश्योर्ड को वही अमाउंट क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेट करेंगे जितने का उसे लॉस हुआ था। तो अलग अलग कॉम्पनसेट नहीं करा जाएगा, सब मिलकर 12 लाख रुपए इकट्ठा करके उसे दे देंगे पॉलिसी के रेशियो में। तो अल्टीमेटली जिसका 12 लाख का नुकसान है उसे 12 लाख ही मिले। मजे आए इसमें इंश्योरेंस कंपनी के, और निकालो होशियारी, तुम उनको लूटने चले थे, उन्होंने तुम्हें लूट लिया। सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर, वो टोटल लॉस हर एक इंश्योरर से नहीं ले सकता, अलग अलग इंश्योरर से ही लेगा। द इंश्योरर कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोटल लॉस, वो टोटल लॉस इन द प्रपोर्शन इन द रेशियो टू द अमाउंट एश्योर्ड बाई ईच, बेसिकली पॉलिसी के अमाउंट के रेशियो में हर लोग देगा। जब रेशियो पॉलिसी का अमाउंट सेम था तो लॉस को भी इक्वल अमाउंट में डिवाइड करके दिया जाएगा, क्लियर। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन का क्या मतलब? कि इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द कॉम्पनसेशन द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। कहने का क्या मतलब? अब बच्चों इस गाड़ी की बात हम लोग करें, ये गाड़ी बच्चों चोरी हो गई थी, बच्चों ये गाड़ी चोरी हो गई थी, है ना, 12 लाख का लॉस हुआ था। अब जो मेरे को नुकसान हुआ था वो नुकसान तो मेरे को भरपाई कर दी ना एबीसी ने, कर दी ना भरपाई। अब मेरे को तो कोई मतलब लेना देना है नहीं। अब कल को गाड़ी मिल गई, पुलिस वाले कॉल आया कि सर आपकी जो एक साल पहले गाड़ी चोरी हुई थी वो गाड़ी आपकी मिल गई है, और आप उस गाड़ी को लेने पहुंच गए। आप उस गाड़ी का आप ओनरशिप राइट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने जितना आपको उस गाड़ी की वजह से लॉस हुआ था वो लॉस आप रिकवर कर चुके हो, वो लॉस भरा किसने था? एबीसी ने। तो जो इंश्योर्ड होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो अब उस गाड़ी की ओनर बन जाएगी। तो पहले ओनर कौन था? आप। और आपकी ओनरशिप की जगह किसने ले ली? आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपके लॉस को रिकवर कर दिया था। अब आप उस गाड़ी से ये नहीं कर सकते, क्योंकि लोग क्या करते हैं, होशियारी दिखाएंगे, वो गाड़ी बेच देंगे, उस गाड़ी से जो पैसा आएगा वो भी रख लेंगे। लेकिन ऐसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं होने देगी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भाई साहब हमने आपको आपके नुकसान का भरपाई कर दी है, अब ये गाड़ी हमारी है, हमें दो। अब इस गाड़ी से जितना पैसा मिलेगा हम लोगों को वो पैसा हम लोग अपने पास रखेंगे, आप नहीं हो तो मतलब जगह ले लेता है। तो इंश्योर्ड जो होता है ना, इंश्योरर जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होता है, वो इंश्योर की जगह ले लेता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द इंश्योर्ड इज कॉम्पनसेटेड, जब इंश्योर को लॉस का कॉम्पनसेशन मिल जाता है, डैमेज का कॉम्पनसेशन मिल जाता है, तो राइट ऑफ द ओनरशिप, जो ओनरशिप का राइट है, तो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है किसके पास? इंश्योरर के पास। दैट इज द केस, और लॉजिकल भी है भाई। नुकसान की भरपाई हो चुकी है, तुम्हारी चीज का तुम्हें पैसा मिल चुका है, अभी हमारी है, मिल गई तो हमारी, नहीं मिली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिल गई तो हमारी है, क्लियर है।
सिक्स्थ होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रोक्सिमा। कॉज अप्रोक्सिमा का मतलब कॉज, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द इंश्योरेंस। तो जैसे मान के चलो मैंने लिया था मान के चलो बच्चों थेफ्ट इंश्योरेंस, मैंने लिया था बच्चों थेफ्ट इंश्योरेंस कि अगर चोरी होगी तो मेरे को 10 लाख रुपए तक का लॉस क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। बट एक्चुअल में हुआ क्या, फायर लग गई, तो फायर की वजह से जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ 8 लाख का, और मैंने क्या करा वो नुकसान जो है इससे भरपाई करने लग गया कि मैं बोल दे भाई साहब नुकसान हो गया है 8 लाख रुपए का, अभी नुकसान भर दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलते ठीक है कोई नहीं, हम आके चेक करते हैं और आपको नुकसान दे देंगे। इंश्योरेंस कंपनी आई, उन्होंने देखा अरे सर ये तो आग लगी है। तो मैंने कहा हाँ आग लगी है तो क्या हुआ, नुकसान तो हुआ है। वो कहते नहीं सर हमने जो आपका इंश्योरेंस करा था वो क्या करा था, हमने करा था कि आपको अगर चोरी की वजह से कोई नुकसान होगा, तो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। ये नुकसान चोरी की वजह से नहीं है, ये नुकसान आग की वजह से हुआ है। तो आपका कॉज अप्रोक्सिमा चेंज हो गया, रीजन ऑफ लॉस बदल गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जिस रीजन से होने वाले लॉस, का आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था, उसी रीजन से एक्चुअली लॉस भी होना चाहिए। आपने इंश्योरेंस लिया था चोरी का और आपका नुकसान हुआ आग का, तो रीजन अलग हो गया ना, कॉज अलग हो गया। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेट नहीं करेगी, डिनाई कर सकती है। सेवेंथ होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन द सेम वे एज ही वुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब ये बोलता है कि आपने किसी भी चीज का इंश्योरेंस लिया सही, ठीक है, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा इसका मतलब ये नहीं अब आप उस चीज को लापरवाही की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो कि ठीक है ये तो नुकसान तो कंपनी भरी देगी, ऐसा नहीं करना। आपको उसका ध्यान वैसे ही रखना है जैसे आप बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के रखते। जैसे एक एग्जांपल, मैं अपने यहां पर मान के चलो मेरी फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री के अंदर शूज बनते हैं। अब फैक्ट्री के अंदर यार आग कभी भी लग सकती है ना, आग बोलकर थोड़ी ना आएगी। तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मुझे आग से बचने के लिए अपने यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। और ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी कर रखा है कि हर फैक्ट्री के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, कंपलसरी गवर्नमेंट ने बोल रखा है, क्लियर है, कूल। अब क्या हुआ कि मैंने क्या करा, फायर एक्सटिंग्विशर अपने यहां रखा नहीं, बट मैंने फायर इंश्योरेंस ले रखा था और मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मेरे को 10 लाख का नुकसान हो गया। अब फायर इंश्योरेंस वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई साहब फायर एक्सटिंग्विशर दिखाना कहां पर है। मैंने कहा वो तो है नहीं भाई, मैंने फायर इंश्योरेंस ले रखा, नुकसान हुआ इंश्योरेंस भरो। वो कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, आपकी लापरवाही थी, ये आग तभी बुझ सकती थी अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होता, ये आग आगे बढ़ती नहीं, आपने लापरवाही कर दी सर, है ना। आपको लगता था फायर इंश्योरेंस है, कोई नहीं आग लग जाने तो लग जाने, नुकसान तो मिल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं सर, ऐसे हम आपको नहीं दे सकते, आपने अपनी साइड से लापरवाही करी, एक्सटिंग्विशर होता ना आपके पास सर वहीं की वहीं आग बुझ जाती, गलती है और ये गलत भी है। कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा कि गाड़ी अगर चोरी हो गई तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करते हैं, गाड़ी को कहीं भी खड़ी कर दिया, रोड साइड खड़ी कर दिया, गाड़ी का लॉक नहीं लगाया, है ना। आपने क्या करा, आप गए मार्केट, आपने कहा गाड़ी चोरी हो जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, इंश्योरेंस है। आप ऐसी आपने साइड में गाड़ी लगाई, उसको लॉक करा नहीं और पार्किंग में भी खड़ा नहीं करा, और गाड़ी को ऐसी छोड़ गए, शॉपिंग करने चले गए, 2 घंटे बाद आते हो गाड़ी गायब। इंश्योरेंस कंपनी पे गए, इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन करा, सीसीटीवी कैमरा में देखा, वो तो देख के दंग रह गए। वो कहते यार इसने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी, यहाँ तो पार्किंग है ही नहीं, पहली बात गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी चाहिए, यहाँ खड़ी नहीं करनी चाहिए गाड़ी पार्किंग में, ये पार्किंग करने की जगह है, तुमने अपनी गाड़ी का खुद ध्यान नहीं रखा। अगर गाड़ी का तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं होता तो तुम पार्किंग में खड़ी करते ना गाड़ी, चोरी होने का डर होता ना तुम्हें। दूसरी चीज, तुम गाड़ी को लॉक करके नहीं गए, वो इंसान आता है गाड़ी को ओपन करके चल दिया, तुम गाड़ी को कहाँ लॉक करके गए, लॉक करके जाते तुम ध्यान रखते, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता गाड़ी पार्किंग में भी लगाते हो, पार्किंग के अंदर भी अच्छे तरीके से लॉक करके जाते, यानी कि तुमने लापरवाही करी, तुम ये मान के बैठ गए कि लॉस होना है तो हो जाने दो, इंश्योरेंस है ही, लो हम तुम्हें इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो इंश्योर शुड नॉट बिकम केयरलेस, इंश्योर जो है केयरलेस नहीं होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी का आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। की पॉलिसी ले ली,
अब भाड़ में जाने दो। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड की ड्यूटी है कि रीजनेबल एफर्ट्स पुट करे और सारे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ले इंश्योर्ड प्रॉपर्टी पर। यानी कि बेसिकली भाई साहब इंश्योरेंस है, इसका मतलब ये नहीं से लापरवाही से करो, ठीक है? अगर ऐसे उसे ट्रीट करो जैसे कि उसका इंश्योरेंस है ही नहीं। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अगर ऐसा इंटेंशन होगा तो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल आपको इंश्योरेंस क्लेम देगी। तो 7 प्रिंसिपल है और इसके ऊपर अच्छी अच्छी केस स्टडीज आती हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो अभी की अभी। क्या ये चीज आपको पता था कि इंश्योरेंस पॉलिसी इतनी टेक्निकल भी होती है? क्या ये चीज आपको पता था? और सब सारे बच्चों लिखो कि आपको इसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल कौन सा लगा, कि जहां पर इंश्योर्ड ने बहुत चालाकी दिखाई बट उसके बाद भी उसकी चालाकी फेल हो गई। मेरे पर्सनली बताता हूं, मेरे को सबसे चालाकी वाला लगा ना प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लगा, कि एक ही चीज के बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, है ना, अगर नुकसान हुआ तो मैं सबसे नुकसान ले लूंगा, मेरे को फायदा हो जाएगा। सबसे चालाकी वाला तो पॉइंट यही था। इंश्योरेंस कंपनी और होशियार बैठी हो, कहते नहीं 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 ऐसा तो नहीं होने देंगे भाई साहब, रुको जरा सबर करो, यही लगाना। बच्चों जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, बच्चों जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ओपी। जल्दी सारे बच्चे लिख दो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ओपी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो आपका होता है दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि इंसान को अपनी लाइफ के लिए भी खतरा रहता है कि भाई साहब या तो मैं बहुत जल्दी ना मर जाऊं या बहुत लेट ना मरूं। अगर बहुत जल्दी मर गया तो जो मेरी फैमिली को लेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा और मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी मेरे जाने के बाद। अगर मैं बहुत लेट मरा तो मैं बुढ़ापे में अपने लिए काम नहीं कर पाऊंगा और मेरे को उस टाइम पर पैसा कौन कमा के देगा। ये दोनों खतरे हैं भाई तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड, कि बहुत लेट मरोगे तब भी रिस्क है, बहुत जल्दी मरोगे तब भी रिस्क है। तो इन्हीं रिस्क को कवर करने के लिए, मरने के लिए वो क्या लेता है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है। ध्यान से सुनो, तो जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस व्हेन दे हैव द फियर, उनको डर होता है कि वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, डाइंग टू अर्ली। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। यानी कि समय से पहले मर गए तो एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी फैमिली को दे देती है, जिससे इंसान के जाने के बाद भी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, ताकि एटलीस्ट फाइनेंशियली तो उसे उस क्या बोलते हैं जो इंसान उन्हें छोड़ के चला गया उसकी कमी महसूस ना हो, पैसे की तो एटलीस्ट उन्हें कमी महसूस ना हो। समटाइम्स लेकिन कभी कभी पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। उन्हें चाहता कि भाई साहब बुढ़ापे में भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे, हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रहे, हमें किसी और के ऊपर आश्रय होने की जरूरत ना हो। बुढ़ापे में हाथ पर काम नहीं करेंगे, इतना काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हमें पैसा चाहिए होगा बुढ़ापे में। वो पैसा कहाँ से मिलेगा? बुढ़ापे की इंश्योरेंस पॉलिसी से। When people think of living too late, जब वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत लेट मरेंगे, then to get financial support, उनके बुढ़ापे में उन्हें financial support मिल सके, वो लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम, उन्हें प्रीमियम देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, एंड इन रिटर्न द कॉम्पनसेशन इज एश्योर्ड एट इज डेथ और द मैच्योरिटी पीरियड विच एवर कम्स अर्लियर। सर क्या मतलब इसका, सर क्या मतलब इसका, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सपोज करो कि मैंने टू अर्ली वाला, कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, मैंने टू अर्ली वाला लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। अब उन्होंने बोला कि सर हम आपको जो कवर करेंगे वो 60 इयर्स तक कवर करेंगे, हम आपको 60 इयर्स तक कवर करेंगे, क्लियर? चलो ठीक है, अगर मान के चलो मैं 60 से पहले मर गया, मैं 60 से पहले मेरे मरे दुश्मन, मतलब मान लो एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर 60 से पहले डेथ हो गई तो मेरी 60 से पहले डेथ हो गई तो मेरे को क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा, मेरी फैमिली को क्लेम मिल जाएगा, क्लियर है? अगर 60 इयर्स आ गया और मेरी 60 के बाद डेथ हुई है तो क्लेम ना 60 साल पे मिल जाएगा। इसका मतलब क्लेम किस दिन मिलेगा, क्लेम उस दिन मिलेगा अगर आप 60 से पहले मर गए, आपकी इवेंट कौन सा पहले आ रहा है। इसे बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं मैच्योरिटी, क्योंकि 60 साल तक आप कवर है ना, इसे बोलते हैं मैच्योरिटी। तो क्लेम किस दिन मिलेगा, क्लेम किस दिन मिलेगा, मैच्योरिटी या फिर डेथ, जो पहले आ जाएगा, ठीक है? अगर आप इनको देखोगे, इसको देखोगे, तो इस केस में डेथ पहले आ गई तो डेथ पे क्लेम मिल गया। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे, इस केस को देखोगे यहां पर, तो इस केस में डेथ पहले कौन आया, पहले आई मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी पे क्लेम मिल गया। यानी कि अगर पहले डेथ आएगी या पहले मैच्योरिटी आएगी, जो पहले आ गया क्लेम उस पर। तो बेसिकली अंटिल द मैच्योरिटी यू आर सेफ, आप भाई साहब मैच्योरिटी तक सेफ हो,
आप मैच्योरिटी तक सेफ हो। और जो प्रीमियम भरा जाता है वो मंथली हर महीने भी हो सकता है, हर 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है और साल का भी हो सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? कूल। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर। लाइफ इंश्योरेंस के मेन एलिमेंट्स मतलब बेसिकली कि लाइफ इंश्योरेंस पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। अभी हमने पढ़े थे ना, अभी पढ़े थे ना बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल उसमें से लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल पर अप्लाई होते हैं और कौन कौन से अप्लाई नहीं होते वो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इट इज इनहेरेंट। भाई साहब जहां पर इंश्योरेंस आएगा ये प्रिंसिपल उसके पीछे पीछे चला आएगा, आप देख लेना जरा, समझे? अटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि भाई कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में आप जा रहे हो ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है कि आपको सच बोलना है, कोई बात छुपानी नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलना, फेथ ऑनेस्टी दिखानी है आपको, और खाली इंश्योर्ड को नहीं इंश्योरर को भी, ठीक है। द कस्टमर शुड बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार होना चाहिए, उसे सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने चाहिए। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, ये भी आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा इवेंट कब होता है? जब आप लॉस के लिए क्लेम करते हो, बट लाइफ इंश्योरेंस में एक एक्सेप्शन होता है, लाइफ इंश्योरेंस में एक एक्सेप्शन होता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जरूरी नहीं है। मतलब सर जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदोगे उस टाइम पर तो आपका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन जब आप मैच्योरिटी की बात करोगे मतलब जब लॉस हो गया उसका क्लेम आप कर रहे हो उस टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल इसका लेके चलते हैं। मान के चलो रमेश और प्रिया दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये 1 अप्रैल 2024 की हम लोग बात करते हैं या फिर थोड़ा पहले 1 अप्रैल 2021 की बात करते हैं, क्लियर है? कोई बात नहीं, दोनों क्या थे? हस्बैंड वाइफ थे। रमेश ने प्रिया के नाम की पॉलिसी खरीद ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली रमेश ने प्रिया के नाम की, क्योंकि भाई उसकी वाइफ है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसके अंदर पॉलिसी खरीद ली। अब 2 साल बाद क्या हुआ, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को इन दोनों का बच्चों डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया बच्चों, यानी कि रमेश अलग और प्रिया अलग, बट अभी भी इंश्योरेंस चल रहा है, अभी भी इंश्योरेंस चल रहा है। उसके 6 महीने बाद यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को प्रिया की डेथ हो गई। अब भाई साहब रमेश भाई साहब गए इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर इंश्योरेंस कंपनी के बाद, बोलते हैं लाओ क्लेम दो, तो इंश्योरेंस कंपनी रमेश को मना नहीं कर सकती क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का यही रूल है कि एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट था या नहीं था। जी सर तब तो था, तब तो वो मेरी वाइफ थी, बट क्या कॉम्पनसेशन का था क्लेम के टाइम पर, लॉस के समय क्या वो तुम्हारी वाइफ थी? रमेश बोलेगा नहीं, इंश्योरेंस बोलेगी कोई बात नहीं फिर भी आपको क्लेम मिलेगा क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी के टाइम पर होना चाहिए, लॉस के टाइम पर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में रमेश को क्लेम मिलेगा। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखो यहां पे एक एक्सेप्शन है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या था कि जितना लॉस होगा उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, बट यहां पर क्योंकि किसी इंसान के चले जाने की वजह से आप उसको उसका जो लॉस है, किसी इंसान का खोने का जो लॉस है उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस केस में पूरा का पूरा क्लेम मिलता है, जितने रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा, बिकॉज यू कैन नॉट कंसिडर कि भाई इस इंसान के जाने से कितना लॉस हुआ, पूरा का पूरा यहां पर क्लेम मिलेगा। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड, एक इंसान की जिंदगी को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। इस वजह से जो अमाउंट पेएबल होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, ऑन द हेल्थ ऑफ द इंश्योर्ड इज फिक्स इन एडवांस, वो फिक्स रहता है पहले, तो जितने की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जितना अमाउंट उस पॉलिसी के अंदर लिखा रहेगा उतना पूरा पैसा मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां वन पार्टी यानी कि इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी किसी रिटर्न के बदले में, कुछ पैसों के बदले में जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, एग्री कर जाती है इंडेमनिफाई द अदर पार्टी। अदर पार्टी मतलब इंश्योर्ड, इंश्योर्ड को एश्योरेंस देती है कि भाई साहब अगर आपका कोई लॉस फायर की वजह से हुआ
तो हम आपको बोलते हैं कि आपके लॉस को रिकवर करेंगे। इंडेमनिफाई मतलब टू मेक द लॉस गुड, लॉस को ठीक करना, हम आपके लॉस को ठीक कर देंगे। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल लॉस विच द लेटर में सफर, देखो सफरिंग होगी मतलब बेसिकली लॉस हुआ, किसकी वजह से लॉस हुआ, किसकी वजह से लॉस हुआ, लॉस हुआ फायर की वजह से, लॉस हुआ बच्चों फायर की वजह से। तो यानी कि फायर की वजह से आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान हुआ, आग लगने की वजह से प्रॉपर्टी का कोई भी नुकसान हुआ, आग लगने की वजह से, तो उस केस में हम आपके उस नुकसान को इंडेमनिफाई करेंगे, मतलब उस नुकसान को हम लोग ठीक करेंगे, आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट मतलब मैक्सिमम कितना लॉस करेंगे, मैक्सिमम कितना लॉस करेंगे जो कि पॉलिसी में लिखा होगा, मेंशनड इन द पॉलिसी, मेंशनड इन पॉलिसी, तो जितना पॉलिसी में अमाउंट लिखा होगा मैक्सिमम उतना लॉस रिकवर करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब पॉलिसी टाइम, पॉलिसी वैलिडिटी, तो जितनी वैलिडिटी पॉलिसी की होगी, अगर पॉलिसी एक साल की है तो एक साल के अंदर ये इवेंट होना चाहिए, पॉलिसी पांच साल की है तो पांच साल के अंदर ये इवेंट होना चाहिए, क्लियर है। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आज एक्सपायर हुई और आपकी आग लगी दो दिन बाद, तो उस केस में आप क्लेम नहीं कर सकते, उस केस में आप इंडेमनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी की वैलिडिटी आज तक है, अगर वैलिडिटी आज एंड हो गई और आग लगी है वैलिडिटी के बाद, तो क्लेम नहीं कर सकते। तो वो टाइम पीरियड होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, एक साल, दो साल, तीन साल, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर ही इवेंट होना चाहिए। जनरली जो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस होता है वो वन ईयर होता है, बट अब के टाइम पे देखा गया कि एक साल से भी ज्यादा का होता है, दो साल, तीन साल, चार साल, और आप उसे हर साल पैसे दे देकर रिन्यू भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही खरीदेंगे, आपने खरीदा, आज वैलिडिटी एंड हो रही है, आज ही आप पैसे दो, वही पॉलिसी अगले साल के लिए कंटिन्यू हो जाएगी, तो आप पैसे दे देकर उसे आगे के लिए कंटिन्यू भी करवा सकते हैं। इसके अंदर भी वही एलिमेंट होंगे, पहला क्या कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिसी के टाइम पर भी, साथ के साथ लॉस के टाइम पर भी, पॉलिसी के टाइम पर भी साथ के साथ लॉस के टाइम पर भी। तो यानी कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो तो जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए आप पॉलिसी खरीद रहे हो, जिस सब्जेक्ट में अगर उसमें है ना, तो तब भी वो आप उसके ऊपर ओनरशिप राइट होना चाहिए, और जब आपका नुकसान हुआ, जिस दिन आपका नुकसान हुआ, उस दिन भी उस आर्टिकल के ऊपर आपका ओनरशिप राइट होना चाहिए। तो दोनों दिन, यहां पर दोनों दिन इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेयर, यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों एक दूसरे को सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, कोई भी कुछ नहीं छुपाएगा, फेयर दिखाएंगे, ऑनेस्टी दिखाएंगे। द थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल, देखो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यहां पर एप्लीकेबल है, बिकॉज वी कैन, हम किसी कमोडिटी, किसी आर्टिकल में होने वाले लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि भाई आग लगने की वजह से कितना नुकसान हुआ, और मैक्सिमम वो नुकसान ही आपका भरा जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी अप्लाई होगा। लाइफ इंश्योरेंस में नहीं था, क्योंकि किसी इंसान का आप लॉस नहीं रिकवर मतलब कॉम्पनसेट कर सकते, लेकिन यहां पर आप कर सकते। तो यहां पर लॉस कैलकुलेट करा जाएगा और उतना ही अमाउंट यहां पर क्या करा जाएगा, भरा जाएगा। देखो ये लाइन वही आ गई, द लॉस अमाउंट और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस, ये मैंने लिखवा दिया है। तो यानी कि चाहे लॉस का अमाउंट या पॉलिसी का अमाउंट जो कम होगा उतना आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मनी कुछ नहीं मिलेगा। द कॉम्पनसेशन इज पेड ओनली वेन द लॉस इज ड्यू टू फायर, यानी कि कॉज़ा प्रॉक्सिमा, कॉम्पनसेशन तभी मिलेगा अगर आपने फायर इंश्योरेंस के अंदर, कॉम्पनसेशन तभी मिलेगा जब आपका नुकसान आग लगने की वजह से हुआ हो। अगर आग नहीं लगी है, आपका नुकसान चोरी की वजह से हुआ है, किसी चीज से गिरने की वजह से हुआ है, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलेगा जब आपका नुकसान आग लगने की वजह से हुआ हो। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज़ा प्रॉक्सिमा यहां पर स्ट्रिक्टली फॉलोड करा होगा। थर्ड होता है मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस जनरली होता है शिप्स के लिए, शिप्स के लिए। जैसे आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें एक मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसे बोलते हैं हम लोग शिप्स। वाटरवेज के थ्रू बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है, अब से नहीं, हमने चैप्टर नंबर वन में भी पढ़ा था, एंशियंट टाइम में भी वाटरवेज वॉज वन ऑफ द मेजर वेज जहां से हम ट्रांसपोर्टेशन करते थे, अब से नहीं तब से। तो डॉक्ट्राइन ऑफ मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट अंडर विच द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट द मरीन लॉसेस। अब बेसिकली ये है कि इंश्योरर इंश्योर्ड का नुकसान भरने को तैयार है। अगर नुकसान मरीन लॉसेस की वजह से हुआ कि शिप पानी में जा रहा है और पानी में शिप का, शिप डूब गया, शिप को चोरी कर लिया गया, शिप को क्या बोलते हैं, शिप खो गया, इस केस में हो जाता है बेटा, समुद्र में ये चीजें हो जाती हैं। तो मरीन रिस्क कौन से रिस्क होते हैं, जो कि सी के अंदर होते हैं, जैसे स्टॉर्म,
समुद्री तूफान आया, शिप डूब गया, शिप किसी से टकरा गया, शिप को कैप्चर कर लिया, शिप को सीज कर दिया, है ना, तो इसके इसमें सब नुकसान होंगे, है ना, शिप डूब गया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो होंगी वो आपकी मरीन इंश्योरेंस के अंदर आएंगी। तो जनरली ये लगता है शिप के ऊपर, शिप के ऊपर जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है ना, बड़ी नाव जिसे बोलते हैं, वो चीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर, पहला है कार्गो इंश्योरेंस। दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड्स द कार्गो और द गुड्स कंटेंट इन द शिप एंड द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द क्रू एंड द पैसेंजर। मुझे पता अभी समझ में नहीं आएगा, मुझे पता समझ में अभी नहीं आएगा। सेकेंड होता है हल इंश्योरेंस, अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड, इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट्स। थर्ड होता है फ्रेट इंश्योरेंस। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको समझते हैं, इसको बच्चों समझते हैं, ध्यान से देखना। मान के चलो ये है एक प्लेस, दिस इज इंडिया, क्लियर, एंड इंडिया से सामान जा रहा है, मान के चलो फ्रांस, दिस इज फ्रांस, फ्रांस तो पता नहीं समुद्र है भी या नहीं है, मैं कहता हूँ जापान जा रहा है, ठीक है, लो जापान जा रहा है, ये बीच में रहा बच्चों हमारा शिप, दिस इज आर शिप, और इसके ऊपर रखा है बहुत सारे कंटेनर, ये रखे हैं इसमें कंटेनर, अभी इसको कलरफुल भी कर दूंगा, दीज आर द कंटेनर, इनको कलरफुल भी कर देते हैं थोड़ा सा, ये क्या रखा है कंटेनर, दीज आर द कंटेनर्स, ठीक है, और ये रहा आपका शिप, और ये पानी के ऊपर जा रहा है, ये बच्चों नीचे पानी, और ये पानी के ऊपर जा रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, इधर बच्चों ध्यान से समझना, देखो इसमें तीन चीजें हैं, इसमें तीन चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला क्या है, पहला गुड्स, पहला क्या है गुड्स जो इसके ऊपर रखा हुआ है, जिसे हम लोग कार्गो भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है ये शिप जो कि पानी के ऊपर तैर रहा है, तीसरी चीज जो है जो इंडिया से लेकर शिप वहां पर गया तो उसके लिए क्या फ्रेट, थर्ड क्या है फ्रेट, फ्रेट मतलब भाड़ा। अगर शिप को रास्ते में कुछ हो गया, शिप इंडिया से तो निकला लेकिन शिप जापान पहुंच नहीं पाया, तो तीन चीजों का नुकसान होगा, किसका, जो ऊपर गुड्स रखा है वो खराब वो बेकार उसका नुकसान, शिप भी बहुत महंगा होता है शिप का नुकसान, तीसरा जो भाड़ा मिलने वाला था, छोटा मोटा अमाउंट में भाड़ा नहीं मिलता, करोड़ों में अरबों रुपए में भाड़ा आता है, तो भाड़ा जो मिलने वाला था, फ्रेट जो मिलने वाला था उसका नुकसान, तो तीन चीजों का नुकसान होगा। और मरीन इंश्योरेंस के लिए इन तीन चीजों के ऊपर इंश्योरेंस करा जाता है। जो गुड्स के लिए इंश्योरेंस होता है उसे मैं बोलता हूँ कार्गो इंश्योरेंस, जो शिप के लिए इंश्योरेंस होता है उसे मैं बोलता हूँ हल इंश्योरेंस, ठीक है, और जो भाड़े के लिए इंश्योरेंस होता है उसे मैं बोलता हूँ फ्रेट इंश्योरेंस। ये तीन चीज का यहां पर क्या है नुकसान होगा, और तीन चीजों के लिए मरीन इंश्योरेंस में अलग अलग इंश्योरेंसेस आए हैं। अब एक करके पढ़ते हैं। तो कार्गो इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस मिलता है वो कार्गो और द गुड्स कंटेंट इन द शिप, जो शिप के ऊपर गुड्स, अगर शिप को कुछ हुआ तो गुड्स का भी तो नुकसान होगा, तो गुड्स के नुकसान की भरपाई के लिए कार्गो इंश्योरेंस है, और इसके अंदर जो क्रू होता है और जो पैसेंजर होता है उनकी पर्सनल बिलोंगिंग भी इंक्लूडेड होती है, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग भी इंक्लूडेड होती है इस गुड्स के अंदर। दूसरा होता है हल इंश्योरेंस, इसमें पूरा का पूरा शिप, शिप शिप गुड्स नहीं शिप, जो जहाज है वो इसके अंदर क्या रहेगा इंक्लूडेड रहेगा। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड द इक्विपमेंट, जो शिप और उसके इक्विपमेंट इसके अंदर कवर रहेंगे, जैसे शिप के अंदर फर्नीचर लग रहा है, फिटिंग लग रही है, टूल्स है, मशीनरी है, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स एक्सेट्रा। जनरली द ओनर ऑफ द शिप अंडरटेक्स द हल इंश्योरेंस। तो बेसिकली देखो गुड्स का ओनर कोई और है, ठीक है, गुड्स का ओनर कोई और है, ठीक है, शिप का ओनर कोई और है, तो शिप का ओनर लेगा शिप का इंश्योरेंस, गुड्स का ओनर लेगा कार्गो इंश्योरेंस, शिप का ओनर लेगा हल इंश्योरेंस, और शिप का ओनर ही लेगा फ्रेट इंश्योरेंस। तो सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट, क्योंकि मान के चलो इंडिया से शिप निकला, जापान पहुंचा ही नहीं, रास्ते में शिप डूब गया, टूट गया, खो गया, सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया, लुटेरे लूट के ले गए, तो इन दैट केस क्या होगा कि भाड़ा भी तो नहीं मिलेगा, भाड़ा तो तभी मिलेगा ना जब गुड्स वहां सही सलामत पहुंच जाएगा, अब गुड्स पहुंचा ही नहीं तो भाड़ा क्यों मिलेगा, भाड़ा नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो इस केस में ओनर को नुकसान हो सकता है, तो ओनर फ्रेट इंश्योरेंस भी लेके चलता है। तो इन मेनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स, जो गुड्स के ओनर हैं, जिनका गुड्स शिप पे जा रहा है, वो तभी फ्रेट देते हैं जब गुड्स की डिलीवरी हो जाती है, क्लियर है। इतना शिप इज लॉस्ट इन द वे, अगर शिप रास्ते में खो गया या डैमेज हो गया, चोरी हो गया,
देन शिपिंग कंपनी लोसेस द राइट ऑफ टेकिंग द फ्रेट, देन शिपिंग कंपनी जो है अब भाड़ा नहीं वसूल सकती। भाई भाड़ा तभी वसूलोगे जब आप अपना काम कर दोगे। काम क्या था? गुड्स को एक जगह से जापान पहुंचाना था, गुड्स जापान पहुंचा ही नहीं तो भाड़ा क्या मिलेगा? भाड़ा नहीं दे सकते आप। हायर इज इंश्योर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्या बोलते हैं, हायर इंश्योर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लूजिंग द फ्रेट। तो इस इन डेट केस क्या करता है, जो ओनर ऑफ द शिप होता है वो हायर करता है एक इंश्योरेंस पॉलिसी कि भाई जो फ्रेट का नुकसान मेरा हो सकता है, क्योंकि इन सब चीजों में गुड्स भी जाएगा तो ओनर को इंश्योरेंस मिल जाएगा, शिप गया तो मेरे को इंश्योरेंस मिल जाएगा जो क्या बोलते हैं शिप का ओनर है, तो शिप के ओनर को एक और भी खतरा है, दैट इज फ्रेट। ठीक है, दैट इज फ्रेट। तो फ्रेट का जो है इंश्योरेंस वो भी लेके चलता है। कभी कभार क्या होता है, तीन अलग अलग पार्टी होती है, एक पार्टी जिसका गुड्स शिप के ऊपर रख के जा रहा है, ओनर ऑफ द गुड्स वो कार्गो लेगा, दूसरी पार्टी जिसका शिप है वो हेल्थ इंश्योरेंस करवा के चलता है, तीसरी पार्टी होती है जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चला रहा है। तो शिप ना कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी लीज पे भी ले लेती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जब शिप्स को लीज पे लेंगी, जब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शिप को लीज पे लेंगी, तो शिप अब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या कर रही है, बस भाड़ा वसूल रही है। बात ही समझ में है? तो ये तीन अलग अलग पार्टी अलग अलग इंश्योरेंसेस भी ले सकती हैं। क्लियर है? कूल। नेक्स्ट आता है आपका कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखो वही एलिमेंट होंगे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। तो यहां पर एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी भी होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस भी होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल, यानी कि जो आपको अमाउंट ऑफ लॉस दिया जाएगा वो कौन सा होगा, द अमाउंट ऑफ लॉस और द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। जो पॉलिसी अमाउंट और अमाउंट ऑफ लॉस में से कम वाला अमाउंट होगा वो अमाउंट यहां पर आपको मिलेगा। द कॉम्पनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू द सी पेरिल। अगेन क्या है, कॉज़ा प्रोक्सिमा, कि जो आपको नुकसान होगा वो सी के रीजंस की वजह से होना चाहिए, समुद्र के रीजंस की वजह से होना चाहिए, यानी कि समुद्र के अंदर सीज कर लेना, उसे कैप्चर कर लेना, कोलाइड हो जाना, टकरा जाना, डूब जाना, इन सारी रीजंस की वजह से जो नुकसान होगा उसके लिए आपको इंश्योरेंस मिलेगा। नेक्स्ट जो आखिरी इंश्योरेंस आता है, डेट इज योर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग है। लाइफ इंश्योरेंस बात करता है डेथ की, हेल्थ इंश्योरेंस बात करता है मेडिकल की, कि आप बीमार हो गए, बीमार मतलब मरना नहीं होता, बीमार हो गए तो बीमारी के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपकी दवाइयों के खर्चे होंगे, ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, तो उन खर्चों के लिए इंश्योरेंस जब कराया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इनलेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। तो बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंसेस को क्लेम करते, मतलब मेडिकल इंश्योरेंसेस को कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाती है। ठीक है, जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है उसका उसको क्लेम मिल सकता है और उसके घर वालों को क्लेम मिल सकता है। क्लियर? तो मतलब कोई एक पर्सन है, मान के चलो विपुल है, तो विपुल इन दैट केस अपने लिए इंश्योरेंस ले सकता है और अपने घर वालों के लिए इंश्योरेंस ले सकता है, क्योंकि विपुल का खुद में तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही, साथ में उसके घर वालों के लिए भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। उसके घर वाले कौन? उसके भाई बहन, उसके माता पिता, उसकी बीवी और उसके बच्चे, तो इनके लिए इंश्योरेंस ले सकता है। जैसे इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या होगा, बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, तो इसके अंदर क्या क्या चीज कवर हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसमें जो होने वाला खर्चा है वो, और डॉक्टर की फीस का खर्चा है वो इसके अंदर हो सकता है, बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूडेड रह सकते हैं, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड रह सकते हैं, मान के चलो आपको कोई सीवियर इलनेस हुई जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन करा गया, या आपके ऊपर आपको बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा गया, तो उसके लिए होता है। तो इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ कैटेस्ट्रोफिक, यानी कि सडन डिजास्टर या इलनेस। तो बेसिकली अचानक से कभी कभार इंसान को एकदम से बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ऐसी चीजें जब होती हैं तो अचानक से होती हैं, पहले से नहीं पता होता, और इनमें जो होने वाला खर्चा होता है वो काफी ज्यादा होता है, सीवियर डिजीज, सीवियर इलनेस माना जाता है। तो उसके लिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है, ज्यादातर बूढ़े लोगों में लगती है, जिनको लंबे समय के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो भी इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। मेडिकल सप्लीमेंट, कभी कभार क्या होता है कि आपको लंबे समय तक कोई मेडिकेयर प्रोग्राम लेना पड़ता है, लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, चलता घर पर ही है बट वो ट्रीटमेंट महंगा होता है, तो वो भी इसके अंदर कवर हो सकता है। फिफ्थ होता है डिसेबिलिटी इनकम, कि मान के चलो आपको कुछ ऐसी बीमारी लगी या आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ जिसकी वजह से आप अभी डिसेबल हो गए हो, आप अपनी शरीर से मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते, अब बताओ पैसा कहाँ से आएगा, तो आपकी जो इनकम का लॉस हो रहा है उस डिसेबिलिटी की वजह से, वो इनकम का लॉस भी
यहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर सकती है। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से क्लॉजेस हैं। अगेन डिपेंड्स अपॉन द क्लॉजेस, ये सारे क्लॉजेस हो सकते हैं। आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लो सारे क्लॉजेस पढ़ के लो कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं और हमारा सबसे आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज। दैट इज बच्चों कम्युनिकेशन सर्विसेज। आइए देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज करना। सर किसे एक्सचेंज करना? किसी आइडिया को, व्यू को, मैसेज को, दो या दो से ज्यादा लोगों में। मान के चलो मेरे को किसी से कुछ बोलना है ना बच्चों, मान के चलो मेरी कोई क्रश है और मुझे अपनी क्रश को कुछ बोलना है, तो मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो व्यूज हैं, मेरा जो मैसेज है, जब तक मैं उसे कन्वे नहीं करूंगा, जब तक मैं उस तक नहीं पहुंचाऊंगा, वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। तो जब आप अपनी बात सामने वाले को समझाते हो, उसे बताते हो, डेट मीन्स आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने मैसेज सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हो, डेट इज अ कम्युनिकेशन। आप ऐसा नहीं कर रहे, अपने दिमाग में सोच रहे, डेट इज नॉट द कम्युनिकेशन। ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, व्यूज एक्सचेंज होता है, मैसेज एक्सचेंज होता है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। यहां से मैं आपको बता रहा हूं, यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर ये है अपनी अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वहां से आप मेरे साथ शेयर करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी सारे बच्चों कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, बताओ बच्चों ये लेक्चर आपको कैसा लगा। जल्दी सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए। क्यों क्यों? तभी तो कम्युनिकेशन पूरा होगा। कम्युनिकेशन का मतलब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आपको कुछ समझा रहा हूं, अपने विचार आपके आगे व्यक्त कर रहा हूं और आप उसके लिए फीडबैक दो, तभी मैं मानूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई। तो बच्चों मेरे को प्लीज ये लग जाना चाहिए कि आपको मेरी बात समझ में आ गई और जल्दी से कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे दीजिए बच्चों। ठीक है। जनरली कम्युनिकेशन सर्विसेज में दो चीजें होती हैं, पहला होता है पोस्टल सर्विसेज, दूसरा होता है टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, किसी को अगर पोस्टल सर्विसेज के बारे में पता हो, पोस्टल सर्विसेज हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस, जो कि किसी आर्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, किसी कमोडिटी को, किसी आर्टिकल को, कोई गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जब काम करता है तो उसे पोस्टल सर्विसेज के उस कैटेगरी में आता है, जिसमें जो इंडिया में सबसे ऊपर है वो है हमारा भारतीय डाक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। तो ये कौन ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एट नेशनल, इंडिया के अंदर अंदर, साथ साथ इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब पोस्टल सर्विसेज के मेन फीचर क्या हैं? कि ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो पोस्टल सर्विसेज हैं, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। द पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट होता है बेसिकली पोस्ट ऑफिस, ये नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑपरेट करता है। तो अपनी सर्विसेज इंडिया के अंदर भी देता है और इंडिया के बाहर भी देता है। Along with the postal services के साथ साथ अगर हम इंडियन पोस्ट ऑफिस की बात करें तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है। आपने देखा होगा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है उसके अंदर हमारे मेरे पापा या फिर मेरे बाबा जो थे वो डाकखाना बोलते हैं, डाकखाना हिंदी में, डाकखाने में ना एफडी करवाते थे कि मेरी डाकखाने में आरडी चल रही है, डाकखाने में खाता चल रहा है, डाकखाने में एफडी पड़ी है। अब मैं बचपन में यह सोचता था, मैंने ये डाकखाना, वहां तो लोग चिट्ठी भेजते होंगे ना एक दूसरे को, वहां पैसे क्यों देते हैं? तो जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है वो बच्चों फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है पोस्टल सर्विसेज के साथ साथ। ठीक है। आरडी एफडी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, सेविंग्स अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। पोस्ट ऑफिस ने बाद में स्पीड पोस्ट सर्विसेज को भी स्टार्ट करा ताकि वो प्राइवेट सेक्टर के कोरियर सर्विसेज वालों के साथ कॉम्पीट कर सकें, क्योंकि कोरियर सर्विसेज वाले जब आए, प्राइवेट सेक्टर जब आया तो उन लोगों ने बहुत रिलायबिलिटी दिखाई, यानी कि इतना भरोसा पब्लिक के अंदर बना दिया कि हम आपका गुड सही सलामत आपके एड्रेस तक पहुंचाएंगे, अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा तो आपके पास गुड्स आएगा, मतलब आपका गुड्स हर केस में सेफ रहेगा। दूसरी चीज, जल्दी भी काम करेंगे, स्पीडली ये वाला काम करेंगे। तो इससे क्या होने लगा कि पोस्ट ऑफिस की जो रेपुटेशन थी, पोस्ट ऑफिस का जो बिजनेस था वो कम होने लगा। पोस्ट ऑफिस ने उनसे कॉम्पीट करने के लिए अपना स्पीड पोस्ट चालू करा, सेम सर्विसेज देते हैं, गारंटी लेते हैं कि या तो हम वहां तक पहुंचाएंगे, अगर वो एड्रेस नहीं मिला या कुछ भी एरर हुआ तो ये गुड्स आपके पास लौट के पहुंचेगा, ऐसा नहीं है खो जाएगा। दूसरी चीज, जल्दी करेंगे, टाइम देते हैं कि दो दिन में पहुंच जाएगा, तीन दिन में पहुंच जाएगा, चार दिन में पहुंच जाएगा, और उतने टाइम में पहुंचा के दिखाते हैं सेफली। तीसरी चीज, प्राइवेट कोरियर वालों से कम तीन गुना सस्ता होता है। मैं बता रहा हूं, अभी मेरे को एक पार्सल अभी आगरा भेजना था,
ठीक है, 6 किलो का पार्सल था, तो जब प्राइवेट कोरियर वाले के पास गया 1200 रुपए ले रहा था, 1200 रुपए, और जब पोस्ट ऑफिस लेकर आया 308 रुपए लिए, इनफैक्ट बच्चों 4 गुने सस्ते में कर दिया, वहां 1200 रुपए ले रहा है, कहता सर 4-5 दिन में पहुंचेगा, ये लोग बोले 3 दिन में पहुंच जाएगा 308 रुपए। मैंने कि यार क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ जी सर 900 रुपए बच गए, जल्दी पहुंचाया, जल्दी पहुंचाया, समझे। तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव, अगर आज के टाइम पर किसी को कोरियर सर्विसेज ना यूज करनी हो, और जनरली लोग करते नहीं है, बहुत महंगी होती है, पोस्टल स्पीड पोस्ट सर्विस बहुत ज्यादा रिलायबल है आज के टाइम पर। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। ये एक्चुअली पहले चलता था टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन, इसके अंदर क्या था, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे, तो लोगों को अर्जेंट बेसिस पे कम्युनिकेट करना होता था। तो पहले लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे, चिट्ठी भेजते थे, यहाँ से लेटर पे कुछ लिखा, पैक करा, एड्रेस डाला, पोस्ट ऑफिस में दे आए, 10-12-15 दिन में पहुंच रहा है, पहले ये चलता था। बट उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस ने टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन का सिस्टम स्टार्ट करा। बेसिकली एक मशीन होती थी जिसके ऊपर ऐसे करके टैप करते थे, तो उस पर ना मैसेज होते थे, उनका कुछ अलग ही लैंग्वेज था, तो उस लैंग्वेज में आपके मैसेज को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आपको जिस पोस्ट ऑफिस को मैसेज पहुंचाना है, वो पोस्ट ऑफिस उस मैसेज को प्रिंट करेगा अपने पास, और उस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा देगा, यानी कि जिस पर्सन तक आपको पहुंचाना है। तो उससे क्या होता था, इमीडिएट इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी। ये जनरली जो टेक्नोलॉजी थी, ये जनरली टेक्नोलॉजी से यूज करते थे अंग्रेज लोग, यूज करते थे क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना था पूरी इंडिया पर, क्योंकि कभी कभार क्या था, इंडिया में लड़ाइयां उन्हें स्टार्ट हो चुकी थी, इंडियंस होते विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था, तो मिलिट्री को अच्छे से कंट्रोल कर सके, तो ये सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। फिर बाद में ये सिस्टम पोस्ट ऑफिस के अंदर भी देखा गया, बट आज के टाइम पर इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम की आज के टाइम पर जरूरत नहीं है, सब लोग मोबाइल फोन चला रहे हैं, इस सिस्टम से जल्दी और आसानी के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी। पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल, ये हाईली रिलायबल है, इन्होंने अपना भरोसा तो बांध रखा है भाई। हाँ, आज के टाइम पे इनकी सर्विसेज की मैं भी तारीफ करता हूँ। जो पोस्टल डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, मेल सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज, पहले मेल सर्विसेज को पढ़ते हैं। तो जो मेल सर्विसेज होती हैं, बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। आर्टिकल के अंदर आपके एनवलप्स हो सकते हैं, आपका कोई पैकेज हो सकता है, आपका कोई बॉक्स हो सकता है, तो कोई भी चीज आप क्या कर सकते हैं, इसे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, अलोंग विद नॉर्मल ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, ठीक है, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी होती है। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसमिटेड आर्टिकल, ये सिक्योरिटी लेते हैं ट्रांसमिटेड आर्टिकल्स की, कि भाई आप टेंशन मत लो, या तो आपके एड्रेस पे पहुंचेगा, या तो जहां पहुंचाना चाह रहे हो वहां पहुंचेगा, या आप जहां रहते हो वहां पहुंच जाएगा। अगर वहां नहीं पहुंचा, सेंडर की लोकेशन, रिसीवर की लोकेशन तक नहीं पहुंचा, तो सेंडर की लोकेशन पे पहुंचा देंगे। तभी ये ना दो एड्रेस आपसे लिखवाते हैं, एक एड्रेस वो जहां पर इसे पहुंचाना है, और पीछे एक एड्रेस उसका जहां पर आप रहते हो। तो अगर रिसीवर के एड्रेस तक नहीं पहुंचा, तो सेंडर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा, तो आपका गुड सेफ है, क्लियर है। एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी डेट कवर्स, और इसमें इंश्योरेंस फैसिलिटी भी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, कि अगर आपका ट्रांसमिशन ट्रांसफर के केस में आपके आर्टिकल को कुछ हुआ, तो उसका जो नुकसान होगा वो भी नुकसान भरने को रेडी है। ये तो इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। थोड़ा एडिशनल चार्जेस होते हैं इसके, तो आप कभी भी कोई कॉस्टली आइटम भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसमें दो ऑप्शन देते हैं, कि विदाउट इंश्योरेंस या विद इंश्योरेंस। तो विद इंश्योरेंस में क्या होता है, कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ खो गया, खोने की है, अगर खो गया तो आपका जितने का नुकसान है वो नुकसान कंपनी पे करेगी, है ना। अगर विदाउट इंश्योरेंस है तो खो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, बात ही समझ में। तो इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा क्या, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, वेरियस सेविंग स्कीम्स, कुछ सेविंग स्कीम भी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो प्रोविडेंट फंड जो कि पब्लिक के लिए होता है, तो हर महीने कुछ ना कुछ क्या लेता रहता है, पैसा लेता रहता है, लेता रहता है। और जब इंसान 60 साल का हो जाता है, या 60 साल से पहले इंसान चाहे तो इस PPF से पूरा पैसा निकाल सकता है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इस जो कि पैसा आपके बुढ़ापे में काम आएगा। किसान विकास पत्र, किसान सेविंग्स की स्कीम होती है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट होता है, यानी कि एक सेविंग स्कीम है ये भी। मंथली इनकम स्कीम हो गई, कि आप अभी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, जब आप कमाना बंद कर दो तो उसी पैसे में से पोस्ट ऑफिस आपको महीने का थोड़ा थोड़ा पैसा करके देता रहेगा। सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करवाता है, टाइम डिपॉजिट मतलब FD RD प्रोवाइड करवाता है, मनी ऑर्डर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। मनी ऑर्डर फैसिलिटी आज नहीं चलता, पहले बहुत चलता था। तो मनी ऑर्डर फैसिलिटी में क्या होता है, ये कैश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। मान के चलो मेरे को यहाँ से चंडीगढ़ कुछ कैश पहुंचाना है, तो मैं अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस गया, उनको पैसे देकर आया कि 10,000 रुपये चंडीगढ़ में इस इंसान के पास पहुंचा देना, और यहाँ पहुंचा देते।
समझे, तो पहले मनी ऑर्डर फैसिलिटी भी थी बट अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जब से ई बैंकिंग का सिस्टम चालू हुआ है। ठीक है, थोड़ा कंटेंट आउटडेटेड तो है बट इट्स ओके, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। अब मेल सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता है उसमें से कौन कौन सी मेल सर्विसेज होती हैं बच्चों, उसमें से कौन कौन सी मेल सर्विसेज होती हैं, उसमें से कौन कौन सी मेल सर्विसेज होती हैं, आओ देखो। यूपीसी पहली होती है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, क्या मतलब हो गया, दिस सर्विसेज इज नाउ रेयरली यूज वेयर एज दिस सर्विसेज वॉज फ्रिक्वेंटली यूज बिफोर द कोरियर सर्विस। तो कोरियर सर्विस से पहले इस सर्विसेज चलती थी बट आज के टाइम पर ये बहुत रेयरली यूज होती है। इस सर्विस के अंदर क्या है कि सेंडर एक पार्सल डिलीवर करेगा और लेटर डिलीवर कर देगा ऑर्डिनरी पोस्ट एट अ स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस एट एक्स्ट्रा नॉमिनल कॉस्ट से 1 for 3 एनवेलप्स एंड हैव प्रूफ ऑफ द पोस्टेड लेटर्स। देखो जनरली क्या होता था, बात ध्यान से सुनना, जब स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट आया था पोस्ट ऑफिस का वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपको फ्री में सर्विसेज लेनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना लेटर अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस के पास डिलीवर मतलब छोड़ देना है, जो पहले बॉक्स पोस्ट बॉक्स लगा रखे होते थे ना लाल कलर के रेड कलर के, अभी जो फोटो था, तो वहां पर आप क्या करोगे कि आप अपना लेटर उस पोस्ट बॉक्स के अंदर छोड़ाओगे, फिर एक दिन बाद दो दिन बाद एक पोस्टमैन आएगा वो सारे लेटर्स निकालेगा और ऐसे करके उन लेटर्स के ऊपर जो एड्रेसेस होंगे वहां पर वो लेटर्स पहुंच जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपने कोई लेटर सेंड करा, प्रूफ तो तब होगा ना जब आपको बदले में कुछ एक्नॉलेजमेंट मिले, यहां पर आपके प्रूफ नहीं है। अगर लेटर पहुंच गया तो ठीक है, लेटर नहीं पहुंचा तो ठीक है, आपके प्रूफ नहीं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते आप, क्लियर है, क्योंकि फ्री है। बट जब ये यूपीसी आया तो यूपीसी के अंदर क्या हुआ, सेम सिस्टम है, आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस पर अपना लेटर देकर आए, क्लियर है। बट इस केस में क्या था, इस केस में वो थोड़ा सा आपसे चार्ज करेंगे, 1-2 रुपए आपसे चार्ज करेंगे, बट आपको प्रूफ दे देंगे इस चीज का कि भाई ये लेटर जो है आपके आपने हमें दिया था और ये लेटर आपने सेंड करा है, इस चीज का प्रूफ है। बट गारंटी इसमें तब भी नहीं है कि ये लेटर रिसीवर के पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, रिसीवर के पहुंचने की गारंटी नहीं है भाई साहब कि रिसीवर तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, बस आपके पास प्रूफ है कि आपने लेटर सेंड करा है। ये जनरली बड़ी बड़ी कंपनियां यूपीसी यूज करती थी, जब एजीएम होती थी बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर को बुलाया जाता था मीटिंग के लिए, तो शेयर होल्डर का खबरें पहुंचाई जाती थी, आज तो ईमेल के थ्रू पहुंच जाती हैं, इंटरनेट के थ्रू पहुंच जाती हैं, तब ये चीजें नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, ये लेटर को यूपीसी के थ्रू सेंड कर देते थे, सस्ता पड़ता था और ये प्रूफ भी दिखा देते कि देखो हमने अपने शेयर होल्डर तक बातें पहुंचाई, तो कंपनी का प्रूफ भी होता था। अब इन्हें टेंशन नहीं है कि शेयर होल्डर तक पहुंचे ना पहुंचे, फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। तो ये उस चीज के लिए बेनिफिटेड था। सेकंड आया रजिस्टर्ड पोस्ट, सेंडर एफेक्सेस मोस्ट पोस्टल स्टैम्प्स ऑन एनवेलप, ये थोड़ा सा इससे बेटर वर्जन था। तो यहां पर भी कोई एनवेलप पर आपको पोस्टल स्टैम्प लगानी होती थी, छोटी छोटी पोस्टल टिकट लगानी होती थी और आपको अपने पास वाले पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर इसको दे देना था, बदले में यहां पर भी आपको रिसीट मिलती थी, यानी कि यहां पर भी आपके पास प्रूफ है, यहां पर भी आपके पास प्रूफ है कि भाई आपने कुछ भेजा है, तो प्रूफ यहां पर भी है, प्रूफ यहां पर भी है, यहां पर थोड़ी सी टिकट एक्स्ट्रा लगाई गई है उसके ऊपर, बट डिफरेंस क्या है, देन द पोस्टल अथॉरिटीज विल डिलीवर दैट पार्सल और लेटर टू द एड्रेसेस ओनली वेयर एज लेटर सेंड अंडर यूपीसी मे रीच एड्रेसेस और मे नॉट। यूपीसी में लेटर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बट रजिस्टर्ड पोस्ट में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो प्रूफ यूपीसी में भी है, प्रूफ रजिस्टर्ड पोस्ट में भी है, रजिस्टर्ड पोस्ट में यह बात की श्योरिटी है कि आपका लेटर पहुंचेगा, यूपीसी में श्योरिटी नहीं है। थर्ड आता है पार्सल पोस्ट, पार्सल बेसिकली क्या होता है कि जब आपको थोड़ा सा क्या करना होता है, एक हैवी आइटम भेजना होता है, कोई बॉक्स हो गया या भारी आइटम हो गया, एनवेलप नहीं भारी आइटम, तो इट इज अ सर्विस ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल्स, पार्सल मतलब थोड़ा बड़ा भारी आइटम थ्रू द पोस्ट, पोस्ट के थ्रू अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में या फिर कंट्री से बाहर भी, ये पार्सल भेजने का सबसे सस्ता तरीका था, सबसे सस्ता तरीका था, ठीक है। फोर्थ आता है स्पीड पोस्ट, एंड ये तो बच्चों सितारा है, ये तो पोस्ट ऑफिस का सितारा है, ये सर्विसेज की वजह से पोस्ट ऑफिस के अंदर दोबारा जान पड़ी है। इट इज अ सर्विस टू सेंड द मेल एज फास्ट एज पॉसिबल, सबसे तेज यही काम करता है पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सबसे तेज, सस्ता तेज, प्रूफ भी है, इंटरनेट के थ्रू आज आप इसे ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका जो पोस्टल है वो कहां पर है, आपका जो आर्टिकल है वो कहां पर है, क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल। आप ट्रैकिंग सिस्टम भी इसके अंदर है, आपको एक स्लिप मिलेगी, स्लिप में ट्रैकिंग नंबर होगा, आप ऑनलाइन जाके ट्रैक कर सकते हो, क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी, यानी कि एक प्राइवेट कुरियर वाले से भी जल्दी ये आपका आर्टिकल सेंड करेगा,
ठीक है, सस्ता का सस्ता। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड टाइम बाउंड डिलीवरी, और यार टाइम बाउंड डिलीवरी करते पहले ही बोल देंगे 2-3 दिन के अंदर आपका पहुंच जाएगा, तो जो टाइम बता रहे हैं उसमें टाइम में आपका पहुंच जाएगा, समझे। आप मेल भेज सकते हो, लेटर भेज सकते हो, कुछ और डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। द चार्जेस ऑफ द स्पीड पोस्ट हायर देन द ऑर्डिनरी मेल, तो ये जो यूपीसी रजिस्टर्ड पोस्ट, दीज आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी मेल, इनसे थोड़ा महंगा है। बट अगर ऐसी ही सर्विसेज अगर आप किसी प्राइवेट कोरियर वाले से लेंगे तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, तो उस कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत सस्ता है, ठीक है। फिफ्थ तो होता है कोरियर सर्विसेज, ये कोरियर सर्विसेज को बात कर रहा है, कर रहा प्राइवेट की, प्राइवेट सेक्टर की। तो कोरियर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट पोस्ट ऑफिसेज फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विसेज, दे आर फास्टर एंड मोर रिलायबल, दिस सर्विसेज इज कंपैरेटिवली चीपर देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिसेज। तो बेसिकली दे प्रोवाइड द सेम सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, यहाँ पर बोला गया सस्ता बट एक्चुअल में काफी ज्यादा महंगा है, ठीक है, कूल। फिर टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज मतलब मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, ठीक है, डिश एंटीना, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड होती हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, आपको अपनी बात ध्यान से सुनना। हमने एडवर्टीजमेंट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि बिजनेस किस तरीके से अपने कस्टमर, अपने सप्लायर, अपने ओनर के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू, यानी कि मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, इनके थ्रू, या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो पोस्ट ऑफिस पढ़ लिया, ये आ गया टेलीकॉम सर्विसेज। तो टेलीकॉम सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हर बिजनेस का बैकबोन है। आज भी आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे कितने आते हैं, हमारे लिए टीवी अब वो टीवी नहीं बचा जो हमारे माँ बाप के लिए टीवी था, हमारे लिए टीवी बेटा ओटीटी बन गया है, ठीक है। मोबाइल पे हम नेटफ्लिक्स, ये सब हमारे लिए टीवी है। अगर हम कोई मैच वगैरह देखते हैं जियो सिनेमा पे, हॉटस्टार पे, तो हम लोग देखते हैं बीच में एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहां पर जनता सबसे ज्यादा देख रही है एडवर्टीजमेंट, वहीं पर सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज हैं, पहला क्या है, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, ये तो आपको पता है। इट इंक्लूड्स ऑल द मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, तो आप वॉइस के थ्रू अपना मैसेज भेज सकते हैं, नॉन वॉइस के थ्रू अपना मैसेज भेज सकते हैं, बेसिकली एसएमएसेस, मैसेजेस एसएमएस जो होते हैं। डेटा सर्विसेज, इंटरनेट, पीसीओ पहले चलते थे, क्योंकि पहले हर इंसान फोन अफोर्ड नहीं कर पाता था, मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो एक इंसान अपने यहाँ पर मोबाइल रखा रहता था, आप उसको पैसे दो और आपको जिससे बात करनी है उससे बात कर सकते हो। दे कैन प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विद एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो सपोज करो मेरे पास आज एयरटेल का सिम है, आप बच्चों के पास आइडिया का सिम है, तो एयरटेल वाला आइडिया के साथ कनेक्ट कर सकता है। ये बात सुनने में आपको बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी, बट एक टाइम ऐसे था कि एक यूजर, अगर मैं एयरटेल का हूं तो मैं एयरटेल वाले से ही बात कर सकता हूं, मैं किसी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बात नहीं कर सकता। तो कॉन्टेंट डेफिनेटली पुराना है, इट नीड्स टू बी चेंज्ड, बट ठीक है, पढ़ना तो है। रेडियो पेजिंग सर्विसेज, किसी बच्चे ने वो देखी है मूवी, एक मूवी आई थी, कभी आपने देखा कि पुलिस वाले या आर्मी वाले एक वॉकी टॉकी टाइप का यूज करते हैं, दैट इज अ रेडियो पेजिंग सर्विसेज। रेडियो पेजर नंबर होता है, वो पेजर नंबर से आप दो रेडियोज को आपस में कनेक्ट कर सकते हो और आप बात कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो एक दूसरे से। इट इज एन अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, ये काफी सस्ता पड़ता है। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू पर्सन इवन वेन दे आर मोबाइल मतलब अलग अलग है। अगर दो पर्सन दूर दूर हैं और उनके हाथ में दो वॉकी टॉकी हैं, दो रेडियोज हैं, और अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो आप आसानी के साथ बात कर सकते हो, काफी सस्ता मेथड है। और अगर दो पर्सन दूर भी हैं तब भी आसानी के साथ बात कर सकते हैं। इट इज अ वे ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो सकता है, बात ही समझ में, कि आपको इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, पेजिंग से आसानी के साथ पहुंचा सकते हो। अभी वेस्टी रहती स्कैम 2003, उसमें यूज करता हुआ देखा गया था, क्योंकि वो कुछ इलीगल एक्टिविटी करता था, तो पेजर को ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो था, ठीक है, तो काफी ज्यादा यूजफुल था उसके लिए। फिक्स लाइन सर्विसेज, दीज आर प्राइमरली कनेक्टेड टू द फाइबर ऑप्टिक केबल्स। पहले कैसे टेलीफोन चलते थे, कि मोबाइल फोन्स नहीं होते थे पहले, अभी तो मोबाइल फोन है किसी तार से कनेक्टेड नहीं है, है ना, पहले ऐसा नहीं था, पहले टेलीफोन चलते थे। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, बड़ा सा ऐसे हेडसेट होता था, यहाँ रखना पड़ता था, ऐसे करके नंबर डालना पड़ता था और ऐसे करके बात करनी पड़ती थी, हाँ मैं राड़ा बोल रहा हूँ, ऐसे करके बात चलती थी, नहीं चलती थी। तो वो फोन क्या होते थे, वो एक फिक्स्ड केबल से कनेक्टेड होते थे, और वो केबल के अंदर जो यूज करा जाता था वो करता था फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज करी जाती थी, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते थे दूसरे इंसान के साथ।
क्लियर है, लेड अक्रॉस अ कंट्री, और वो जो केबल्स थी वो पूरी कंट्री में फैली हुई थी। दे प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, और उससे अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज के साथ भी इंटरकनेक्टिविटी थी। जनरली जो पुराने टाइम की बात करें इसके अंदर जो कंपनी किंग थी डेट इज BSNL, बट आज के टाइम पर ऑप्टिक केबल्स का दौर दोबारा वापस आ रहा है क्योंकि इंटरनेट की वजह से हर इंसान को अपने घर में एक फास्टर इंटरनेट चाहिए, और ये जो ऑप्टिक केबल्स हैं इनका पहले यूज खाली मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए था, टेलीफोन सर्विसेज के लिए था, आज इनका यूज मेजरली इंटरनेट के लिए करा जा रहा है। और ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं एयरटेल की भी अब पूरी कंट्री में फैल गई हैं, BSNL की तो पहले से थी और जियो ने भी कर दिया, तो जियो फाइबर हम चलाते हैं इन्हीं टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, एयरटेल फाइबर चलाते हैं इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, और कोई लोकल प्लेयर्स भी है समझे। फोर्थ होता है केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज क्या होता है कि जो टेलीकॉम जो टीवी के ऊपर जो चैनल्स आते थे ना पुराने जमाने में क्या होता था, आज आपको पता है बेटा आज तो टीवी वाला जमाना नहीं है, आज तो स्मार्ट टीवी आ गया इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि आपको अगर टीवी चलाना है और टीवी पे कुछ देखना है तो टाटा स्काई से भी पहले की बात मैं कर रहा हूँ तो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होता था, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, हाँ भैया एक टीवी के लिए एक डिश केबल चाहिए, वो कहेगा अच्छा ठीक है, तो आपसे बोलेगा भैया इतनी केबल खरीद के रखना, उसका एक आदमी आएगा, वो एक एरिया का ना सेपरेट ऑपरेटर था डिस्ट्रीब्यूटर था, तो वहां से केबल आएगी और आपके टीवी में आके लग जाएगी और आपके टीवी में एंटरटेनमेंट आएगा, मतलब बेसिकली चैनल्स आएंगे जिन्हें देखकर आप खुश होंगे, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। अब एक्चुअल में क्या था कि ये क्या था लिंकेज एंड स्विच सर्विसेज बिटवीन लाइसेंस एरिया ऑफ ऑपरेशंस टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। बेसिकली हर ऑपरेटर का एक लाइसेंस एरिया था, हर ऑपरेटर मेन कंपनी से जैसे डेन एक कंपनी थी DEN उस कंपनी से लाइसेंस लेता था कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं सर्विसेज प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो घर घर जाकर केबल्स प्रोवाइड करवाता था एंटरटेनमेंट के लिए, वो केबल लगती थी जाकर टीवी में और टीवी पर आपको एंटरटेनमेंट सर्विसेज मिलती थी। इट इंक्लूड्स टू वे कम्युनिकेशन, ये टू वे कम्युनिकेशन था, वॉइस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, ऑफरिंग सर्विसेज थ्रू द केबल नेटवर्क वुड बी सिमिलर टू प्रोवाइड फिक्स सर्विसेज। बात ही समझ में क्लियर है, ये क्या था टू वे कम्युनिकेशन था, वॉइस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इससे क्या था बेसिकली हम देख भी सकते थे हम सुन भी सकते थे, ये सारी चीजें थी, क्लियर। नेक्स्ट होता था हमारा क्या VSAT सर्विसेज। देखो VSAT सर्विसेज जो यूज करा जाता है जनरली ये न्यूज चैनल वाले यूज करते हैं, ये न्यूज चैनल वाले यूज करते हैं, एक सैटेलाइट बेस्ड फैसिलिटी है, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो आपने देखा होगा न्यूज चैनल वालों की जो गाड़ियां आती है ना उनके ऊपर बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं, तो वो उनका प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो एंटीना से इंफॉर्मेशन मांग के, चलो अब इंडिया टीवी का जो हेड ऑफिस है वो नोएडा में है, मेरे घर के पास ही है, 15 मिनट दूर है, अब कोई घटना घटी है कन्याकुमारी, अब कन्याकुमारी तो नोएडा से बहुत दूर है, अब कन्याकुमारी में जिस जगह पर घटना हुई है उस जगह पर हो सकता है नेटवर्क ना हो, मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क ना, मोबाइल ना हो, तो ये जो न्यूज चैनल चलते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर चलते हैं, तो इनकी इंडिया टीवी वालों की एक गाड़ी जाएगी उसके ऊपर एंटीना होगा, वहां से इंफॉर्मेशन सेंड करी जाएगी, उस एंटीना के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी सैटेलाइट पर, इनकी प्राइवेट सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नोएडा के हेड ऑफिस, और नोएडा का हेड ऑफिस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और वैसे ही पूरे इंडिया में उस इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये बहुत यूजफुल रहता है किसके लिए, न्यूज चैनल वालों के लिए, न्यूज़पेपर वालों के लिए। तो VSAT सर्विसेज, V से वेरी स्मॉल एपर्चर अपर्चर टर्मिनल, ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है, इट ऑफर बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन। गवर्नमेंट भी इसका यूज करती है, बिजनेसमैन बेसिकली बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी इसका यूज करते हैं, क्लियर है, क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबल भी है, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये अपना प्राइवेट नेटवर्क लेके चल रहा है, रिलायबल भी है, भरोसेमंद भी है, क्यों है भरोसेमंद, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है, कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता, बस खुद जिसका जो ओनर है वही इसे एक्सेस कर सकता है, अर्बन एरिया में भी साथ के साथ रूरल एरिया में भी, मैंने बोला ना वहां के लिए तो सबसे ज्यादा रिलायबल है जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वहां के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल है, रूरल एरिया में तब भी आपको नेटवर्क अवेलेबल है। VSAT ऑफर रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज, भाई खुद का प्राइवेट नेटवर्क है, अनइंटरप्टेड ही रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये न्यूज़पेपर ऑनलाइन न्यूज़पेपर के लिए अच्छा रहता है, मार्केट रेट्स पता करने को अच्छा रहता है, टेली एजुकेशन के लिए, पहले जब आज के टाइम पर तो जितना भी एडटेक चल रहा है वो सब इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, पहले इंटरनेट के ऊपर नहीं था, आज से 10 साल पहले जब हमारी CA fraternity के अंदर सैटेलाइट क्लासेज आई थी, वर्ड यूज करते सैटेलाइट क्लासेज, आज हम करते हैं ऑनलाइन क्लासेज, वर्ड यूज होता है सैटेलाइट क्लासेस,
तो उसमें ये वी सेट वाला सिस्टम लगता था। तो टीचर दिल्ली में एक जगह से बैठे क्लासेस ले रहा है, अब उसकी क्लास पूरे इंडिया में टेलीकास्ट होनी है, तो टीचर के पास वी सेट लगा होगा और जहां पर क्लास टेलीकास्ट हो रही है वहां पर वी सेट लगा होगा। तो ऐसा नहीं है हमारे घर पे टीचर क्लास, मतलब हम अपने घर पे अपनी वो क्लासेस दे सकते, नहीं, हमें अलीगढ़ के एक सेंटर के पास जाना पड़ता था जहां पर टीचर की फ्रेंचाइजी थी, उसने वी सेट कनेक्शन लगा रखा है, उसने एंटीना लगा रखा है, तो दिल्ली से टेलीकास्ट होगा अलीगढ़ वाले सेंटर पे, तो हम अलीगढ़ वाले सेंटर पे जाकर देखते थे, अच्छा ये क्लास है, इसे बोलते सैटेलाइट क्लासेस। अभी सेम चीज इंटरनेट से चल रही है, सेटअप बिल्कुल ही मिनिमम हो गया है, बस एक आपको वो लगाना है, सेटअप बॉक्स लगवाना है, बहुत सस्ता हो गया है, पहले नहीं था, पहले काफी महंगा था। तो न्यूज के लिए बहुत अच्छा था, पहले टेली एजुकेशन मतलब बेसिकली एडटेक, तब का एडटेक, तब के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आया वो आया आपका डीटीएस सर्विस, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टू होम। केबल सर्विसेज के अंदर क्या था, आपको एंटरटेनमेंट सर्विसेज चाहिए, आपके पास जो आपका एरिया का टेबल केबल ऑपरेटर होगा वो आपको केबल देगा जो आपके टीवी में आके लगेगी और टीवी पे चैनल्स आना स्टार्ट होंगे। बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बाद में वो सिस्टम हटा, अब आप अपने घर के ऊपर एक छोटा सा एंटीना लगा सकते हो, उस एंटीना से एक वायर निकल कर आएगा आपके घर से ही, आपको बाहर कहीं से नहीं लेना, आपके घर पर एंटीना लग जाएगा, वहां से वायर आएगा, वायर आपके सेटअप बॉक्स में आके कनेक्ट होगा, सेटअप बॉक्स से फिर एक वायर निकलेगा, जैसे इस तरीके से मान के चलो ये आपका घर है, दिस इज योर होम, ठीक है, ऐसे ही बनाते ना बचपन में ड्राइंग, हम लोग ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब इस घर के ऊपर एक एंटीना इस तरीके से लग गया, इस तरीके से, ठीक है। अब इस एंटीना के पास ऊपर कहीं सेटेलाइट होगा, अब इस एंटीना से सेटेलाइट से क्या आती थी, इस एंटीना के पास इंफॉर्मेशन आई, इस एंटीना से केबल निकलकर नीचे घर में जाती थी, टीवी लगा होता था, टीवी के ऊपर छोटा सेटअप बॉक्स होता था, हम लगा देते थे इसी के ऊपर, तो ये केबल ना सेटअप बॉक्स में कनेक्टेड रहती थी, फिर सेटअप बॉक्स से केबल निकलती थी, टीवी से कनेक्टेड रहती थी। तो बेसिकली द थिंग इज कि आपको अब बाहर से कहीं से नहीं लेकर आना नेटवर्क, है ना, पहले क्या था, पहले बाहर से आता था डायरेक्ट टीवी में आके लगता था, वो चीज खत्म, केबल सर्विसेज में था वो चीज खत्म। अब आपको सैटेलाइट से आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ से केबल के थ्रू आपके टीवी में जाएगी, तो इससे काफी ज्यादा, अब इससे क्या हो गया, क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई, थोड़ा सा कॉस्टली था बट क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई, डिश जाने की प्रॉब्लम ही दूर हो गई, बस जब मौसम खराब होगा, बारिश वारिश का मौसम होगा, आंधी तूफान का मौसम होगा, तब नेटवर्क जाएंगे, तब डिश जाएगी, अदरवाइज नहीं। पहले तो क्या था भैया, डिश नहीं आ रही, चार घंटे हो गए, अरे भैया एक प्रॉब्लम हो गया, वी सेट फूक गया, भैया वी सेट फूक गया है, आ जाएगी बस थोड़ी देर में आ जाएगी, डोंट वरी भैया बस थोड़ी देर में आ रही है ना, ऐसे ही फोन करते रहते थे, है ना। यहाँ पर नहीं, ये प्रीपेड था, पहले से रिचार्ज करवाना पड़ता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हुआ बाद में, जैसे टाटा स्काई, सन टीवी, डिश टीवी, ऐसे। तो इट इज़ अ डायरेक्टली सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेलुलर कंपनीज, और ये जनरली जो प्रोवाइड करवाती थी सेलुलर कंपनीज प्रोवाइड करवाती थी, जैसे एयरटेल का सेटअप बॉक्स आता था, टाटा स्काई, तो टाटा की तो खुद की एक टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो थी, है ना, सिम टाइप से कार्ड लगता था D2H में, वो कार्ड नेटवर्क को लेता था, जैसे आपके फोन्स नेटवर्क को लेते हैं, ऐसी वो कार्ड नेटवर्क को लेता था। टू रिसीव दिस सर्विस, इस सर्विस को रिसीव करने के लिए वन नीड्स अ स्मॉल डिश एंटीना, जो मैंने बताया था कि एंटीना लगवाना पड़ता है, उस एंटीना को केबल के थ्रू सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करना पड़ता है। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द डीटीएस सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड कंसिस्ट ऑफ अ बुके ऑफ मल्टीपल चैनल, और अगर आपके टीवी पर चैनल आते हैं तो मल्टीपल चैनल्स आते हैं, क्या दो चैनल नहीं दिखाता, बहुत सारे चैनल दिखाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लान कि आप कौन सा रिचार्ज करवा रहे हो। दीज चैनल कैन बी व्यूड ऑन टेलीविजन विदाउट बींग डिपेंडेंट ऑन द केबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, अब केबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है ही नहीं, भाई साहब तू तार काट दे, मुझे नहीं चाहिए तेरा कार, ठीक है तू रख ले अपनी सर्विसेज, मैं अपने घर में एक छोटा सा एंटीना लगवा लूंगा, वहीं से तार आएगा और मेरे टीवी पर मस्त मेरे को एंटरटेनमेंट सर्विसेज देगा, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी का था, मतलब क्वालिटी वॉज अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल, जो चैनल चाहिए आप बैठे बैठे बस एक नंबर डायल करके चैनल आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसके हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, अनइंटरप्टेड था, बस रेयर केसेस में एंटीना जो नेटवर्क थे वो नहीं आते थे, बाकी ऑलमोस्ट सारे केसेस में नेटवर्क आते थे, सारे केसेस में नेटवर्क आते थे, ठीक है। अगेन क्वालिटी बहुत रियली अमेजिंग, ठीक है, आज के हिसाब से नहीं है, आज के हिसाब से नहीं है, आप तो इंटरनेट के थ्रू चलती हैं चीज़ें, बट तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा हो, है ना, प्लीज़ आपको ये चैप्टर कैसा लगा, प्लीज़ बच्चों कसम से बताना, बहुत मेहनत लगी है ये चैप्टर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ऐसी अमेजिंग और अच्छी वीडियोस देखने का मौका मिल सके, उनकी भी नॉलेज बढ़े,
शेयरिंग इज केयरिंग, है ना बच्चों। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग लेक्चर में, बाय।